Are we live? Yes. Hello everyone. Late OP, na, कोई लेट नहीं हुआ है. टू द टाइम स्टार्ट हो गए हम लोग. आ गए सारे लोग. सारे लोग देखो बताओ मुझे, ऑडिबल है, विजिबल है? क्योंकि भाई ऑडिबल विजिबल नहीं होगा धमाका कैसे होगा फिर. कुछ आज धाकड़ कुछ करने वाले हम लोग. बताओ मुझे फटाफट जल्दी, सब कुछ चकाचक, सब बढ़िया है ना? ओहो हो तुम्हारी बहन नहीं नहीं कुछ नहीं था. अच्छा पापा की तरफ से भाई. हाँ जी, हेलो एवरीवन गाइस, जल्दी थम्स अप. ऑडिबल एंड विजिबल बताओ, ऑडिबल एंड विजिबल? यस, हाँ श्रुति भाई, हाँ हार्ट्स नहीं रुकने चाहिए, हार्ट्स नहीं रुकने चाहिए. हेलो हाय, तो क्या हाल है सारे लोग? संडे को आज हाजिर हो गए हम. फटाफट आ जाओ सारे लोग, फटाफट ज्वाइन कर लो. अच्छा ठीक है, प्रकृति की बहन है. ओके 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 ओके, होप यू रिमेम्बर. ओहो विद्या, हाय हाउ आर यू गाइस? आज ज्वाइन कर लो सारे लोग, एक अच्छा बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है आपको. आज ज्वाइन कर लो सारे लोग फटाफट. देखो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें हमें करनी है. हाँ हाँ हाँ, देखो आ गया, डाउट्स आने शुरू हो गए. एनटीएससी का एमंग अस से क्या लेना देना. देखो इस सेशन का पर्पस है एक्चुअली क्या है ना, आपको पता है कि एक वीक बचे रह गए एनटीएससी के लिए. तो क्या होता है कि जब एक वीक बचे रह जाते हैं ना, तो स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक बातें करने लगते हैं, मतलब परेशान से हो जाते हैं. तो दिस सेशन इज अ स्ट्रेस बस्टर सेशन. इस सेशन का पर्पस है कि स्ट्रेस खत्म कीजिए, अपने सीनियर से मिलिए, सीखिए उनसे कुछ, सीखिए और जानिए कि उन्होंने प्रेशर को कैसे फेस किया था. समझ रहे हैं मुझे सारे लोग? अरे ज्वाइन करो फटाफट, क्योंकि बातें शुरू हो जाएंगे. एक भी लाइन ना आपको बाद में ना अफसोस होगा कि आपने लाइव में मिस कर दिया. सो मैं चाहता हूं सारे लोग आ जाओ 20 बाय 20. चलिए सर शुरू करते हैं. ओके तो शुरू करते हैं भाई. क्या है ये तो जानते ही हो कि ये बंदा कौन है ना, तो बताने की जरूरत क्या है. और एक बात बता दूं भाई, भाई कल के लिए भी एक बार याद दिला दूं, मुझे शायद कि आप लोग भूल गए. लास्ट मेंटी क्विज में रोहित सर का ठुमका याद है ना? याद है, कितने लोगों को याद है? जस्ट क्योंकि फिर हो सकता है कि कल आप कहीं बिजी हो तो मिस ना कर जाए. याद है? हाँ जी हाँ जी याद है. तो भाई अब रोहित सर ने लास्ट टाइम तो ठुमका मारा था, तो कल क्या करवाएंगे उनसे? कल अगर आपने मेंटी फोड़ा तो नागिन डांस करवाएंगे उनसे. तो अच्छा परफॉर्मेंस कल देना है मेंटी में. सुन रहे सारे लोग? चल बहुत अच्छा. अच्छा और अब भाई कोई प्लानिंग के साथ आया. चलिए भाई, तो भाई थोड़ा डांस कर लो. क्या हो गया, फ्रीज कर गया ये ना? बिल्कुल रोहित सर के लिए ही बनाया हुआ मैंने, कि रोहित सर के जैसे ठुमके मारता है. अच्छा फिर से एक बार याद दिला दो. देखो आज के सेशन का पर्पस है स्ट्रेस को स्ट्रेस बस्टर सेशन है हमारा ये. हम ये चाहते हैं कि आज आप इस सेशन में अपने ऊपर जो भी स्ट्रेस आपने रखा हुआ है, जो भी आप इस वीक में जो आपने जो सोचा हुआ है कि यार एनटीएससी आने वाला है, एग्जाम्स आने वाले हैं, मेरे क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा, मेरा ये सब बातें आपको सोचनी है, नहीं सोचनी है, इस पर आपके सीनियर से, आपके सीनियर जो के एलीट कॉलेज आईआईटी बॉम्बे से आए हुए हैं, आपको पता ही कौन है, तो वो छुपे ही हुए हैं यहाँ पर आने वाले. तो भाई उनसे जानिए कि आखिर क्या प्रेशर लेना सही है नहीं है, उनकी बातें सुनिए. हमसे तो आप सुनते ही रहते हैं. और मैंने बताया अभी के टाइम पे क्या होता है, एग्जाम से पहले ना इंस्टाग्राम जो है वो चिंताग्राम बना रहता है, फेसबुक भी चिंताबुक बना रहता है, चिंताएं भरी पड़ी भी रहती है ना. सो और लॉकडाउन में चिंता है, ऐसे ही लोग ऐसे ही परेशान है. ओके सो ये एक और बड़ा अनाउंसमेंट है कि भाई देखो हमारा ना एक तरीका रहा है शुरू से, भाई हमारी जो बॉन्डिंग रही है स्टूडेंट्स के साथ, उसको और अच्छा करने के लिए हमेशा से हमने बच्चों के साथ ना जो अटैचमेंट है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के थ्रू नहीं होती है, पता है कि कुछ एक्टिविटीज से भी होती है. और बॉन्डिंग को अच्छा करने के लिए और भी ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ बॉन्डिंग को अच्छी करने के लिए अक्सर ही हमने पहले जबकि कोविड नहीं था तब हम उनके साथ क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, अपनी बेइज्जती करवाते थे,
फिर भी खेलते थे तो ये करते थे, इससे क्या होता था हम अपने स्टूडेंट्स को और अच्छे से जान पाते थे और भी ज्यादा अच्छा कनेक्शन बन पाता था, फिर वो हमारी बात और भी अच्छे से सुन पाते थे, पढ़ाना और भी ज्यादा टेस्टी और भी ज्यादा मजेदार हो जाता था। तो इसलिए हमने ये प्लान किया कि भाई आगे अभी फ्यूचर में अभी क्या करेंगे कि आपके साथ जो है वो Among Us वाला गेम कभी कभी खेलेंगे। ऑब्वियसली हम नहीं खेलेंगे, हमेशा थोड़ी ना खेलते रहे, कभी कभी रिक्रिएशन के लिए, खुद को रिफ्रेश करने के लिए जरूर खेलेंगे, है ना, और मजे करेंगे, देखेंगे कि कौन कितना एक्सपर्ट है। तो कौन एक्सपर्ट है आप में से बताओ मुझे एक बार, कि कोई एक्सपर्ट बंदा जो मानता है खुद को कि भाई मैंने तो Among Us में जो है वो बहुत एक्सपर्टीज रखी हुई है, हाँ बताओ जल्दी, और लोगों को बुलाओ यार, भीड़ बढ़ाओ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होने वाली है आज। तो प्रकृति आपको बहुत सारी अच्छी बातें बताने वाली है IIT बॉम्बे से रिलेटेड, अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड, है ना। अब देखो किसी ने गुस्सा कर दिया, डोंट वेस्ट टाइम, ओहो, मतलब इंट्रो भी ना हो, हा? भाई बड़े गुस्से आपके तो, भाई मैं तो डरते ही रहता हूं आपके गुस्से से, पता नहीं कब क्या गुस्से कर दोगे। तो चलो, तो जैसा मैंने बताया कि भाई आज का सेशन स्ट्रेस बस्टर है, जैसे भाई कैप्टन अमेरिका ने धोया था थैनोस को, वैसे ही स्ट्रेस को भी आपको धो डालना है, है ना, सब एक्सपर्ट है। अच्छा, आई एम प्रो, हु इज द इंपोस्टर, स्ट्रेस इज द इंपोस्टर, अरे भाई दिल जीत लिया बातें बोल करके, थैंक यू, हाँ मेरा नाम ले लो जोर से। अच्छा ठीक है, नाम तो ले लेंगे, बट मेरे लाइक्स भी आने चाहिए, धड़ाधड़ यार जल्दी, सौ लाइक्स करवा दो जल्दी से। वैसे तो आज तो टारगेट था कि 400 लाइक्स तो हो ही जाना चाहिए किसी भी तरह से, है ना। स्ट्रेस बस्टर सेशन है, साथ साथ डिस्क्लोजिंग सीक्रेट्स ऑफ एकेडमिक एंड सोशल लाइफ एक्सपीरियंस एट द मोस्ट कवेटेड कॉलेजेस। एनटीएससी से क्या लेना देना है दोस्तों, मैंने बताया कि स्ट्रेस बस्टर सेशन है, एनटीएससी का एग्जाम आने वाला, सारे लोग चिंता में डूबे हुए हैं, तो ये सेशन का पर्पस है कि आप चिल आउट करो थोड़ा, अपने आप को बताओ कि प्रेशर लेना सही बात है नहीं है, और इंस्पायर भी करो खुद को अपने सीनियर से मिल करके, भाई ये वाला पोस्टर बड़ा मुझे मजा आता है, इंपोस्टर और क्रीमेट, आप क्या बनना चाहते हो, इंपोस्टर या क्रीमेट, क्या चाहते हो आप खुद, क्या बनना चाहते हो, इंपोस्टर या क्रीमेट, क्या पसंद है आपको बनना, फटाफट बताओ मुझे, क्रीमेट इंपोस्टर नहीं, मुझे पता है कि आंसर वैसे ज्यादा क्या आने वाले हैं, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं सही है मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था भाई है इंपोस्टर, इंपोस्टर भाई इंपोस्टर मुझे भी पसंद है, मतलब अंदर का ना शैतान देखो अभी सबका बाहर आ गया इंपोस्टर बनना ही पसंद, अच्छे काम नहीं पसंद है, देखो ना इंपोस्टर ही पसंद है ना सबको, है ना। और भाई बीच में हार्ट्स आप, अब जो है अब गेस्ट को बुलाने का टाइम हो चुका है, फटाफट हो गया, मैंने तो अपनी बातें बोल ली, अब गेस्ट को बुलाने का टाइम हो गया, जल्दी से हार्ट्स भर दो, फटाफट हार्ट्स भर दो, लाइक्स बढ़ा दो, जल्दी करो यार, आए संडे को आपके लिए, जल्दी जल्दी, इंपोस्टर हमें समझ गया, वो दैट वॉज एक्सपेक्टेड यार, दैट वॉज एक्सपेक्टेड, हाँ हार्ट्स भर दो जल्दी, प्रकृति को बुलाया जाए, ओहो, सो हियर इज आवर स्टार ऑफ द टुडे शो, प्रकृति आ जाओ, चुपे बैठे हो तब से, चलो वैसे चलो पहले मैं बता दूं, थोड़ा इंट्रो मैं अपनी तरफ से दे दूं, वैसे तो भाई स्टार जो थोड़ा लिखा हुआ आने दो, फोटो तो आने दो अपनी, स्टार ऑफ टुडे शो भाई, तालियों से स्वागत, और हार्ट्स भर जाने चाहिए, हार्ट्स भर जाने चाहिए, आवाज आ रही ना भाई, स्वागत कर दो दिल भर करके, लाइक्स बढ़ा दो गाइस, क्या कर रहे हो, सीनियर अपना टाइम निकाल करके आपके लिए आए यार, प्लीज फटाफट, और हमारे पास तो बहुत सारे प्लान्स भी हैं तो ये लाइक्स नहीं बढ़ाएंगे, फिर प्लान्स डिस्कस करके, बट चलो कोई बात नहीं, देखा जो हो, अब मजा आ गया, चलो स्क्रीन पे हार्ट्स भर गए, थैंक यू सो मच। तो पहले मैं प्रकृति के बारे में अपनी तरफ से बता दूं, वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट वर्किंग पर्सन ऑलवेज इन द इंस्टीट्यूट इन द क्लासरूम, और बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पर्सन ऐसे होते हैं जो कि ना, मतलब आपको ना अपनी तरफ से एनर्जी देते हैं टीचर को। सो मेरे लिए प्रकृति, अब वैसे तो हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, अब तो ये मेरी बिल्कुल छोटी प्यारी सी नटखट सी बहन है, बहुत तंग भी करती है मुझको, और आज भी शायद इसके कुछ प्लान्स हैं ऐसे कुछ करने के, हालांकि मेरे भी अपने प्लान्स हैं,
हाँ मुझे भी इससे बहुत सारी बातें डिस्क्लोज करानी है और मेरा तो प्लान इसको ऐसे तंग भी करने का। केमिस्ट्री की देवी जी आए आए, देखिए ना देखिए, ओह ये किसने दिया है, श्रुति की तरफ से कमेंट, ओह वैसे मुझे तो लग रहा है कि मतलब 2020 का हिसाब है कुछ। मुझे तो लगता है 2020 जो है वो नहीं, अभी मैं भी ग्रेजुएट करते हुए निकलेंगे, 3-4 साल के बराबर का लग रहा है ना 2020 है ना। उनके लिए बहुत बहुत अच्छा है भाई। मैम प्लीज टेल अस अबाउट हाउ टू कैरी द प्रेशर, आज इसी पे डिस्कशन है, आज तो यही काम ही करना, आज तो स्ट्रेस बस्टर क्लास हमारी और लोगों को जोड़ो भी तो बड़े मजा आने वाले यार। मैंने तो क्या मतलब अगर देखो जितने हर 100 लाइक्स के मल्टीपल पे आई विल रिवील सम फन फैक्ट अबाउट मोहित सर जो किसी को नहीं पता, मतलब 100 लाइक्स रोस्टिंग मोहित सर, एवरी मल्टीपल ऑफ 100 लाइक्स रिसीव्ड आई विल रोस्ट। हेलो हेलो हेलो, मुझे मुझे रोस्ट करना तुम्हें लगता है इम्पॉसिबल, वो देख लेंगे। रोहित सर से तुमने पूछा नहीं है, रोहित सर के साथ क्या हुआ था लास्ट क्लास में जो तुमके लगाए थे उन्होंने, मैं तो बचा रह गया था, मुझे तो वही नहीं था। तुम्हारे सपने ना, सपने सुहाने लड़कपन के, सुना है ना रोस्टिंग, मेरी रोस्टिंग, अरे कहाँ की बात हो रही है। वेल मतलब आपको पता होना चाहिए कि मेरे अच्छा, पास काफी ज्यादा कंटेंट है, स्लाइड्स है जरा देखना तो देखना तो ये एक ना आपको याद है कोटा फैक्ट्री से मैंने ये फोटो उठाई है, किसी ने सेंड की मुझको प्रकृति के लिए व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी एंड आफ्टर सिलेक्टेड इन आईआईटी, और मुझे मुझे तो लग रहा है कि हाँ ये ऐसा ही है, जरा देखना तो कंपेयर करना तो है ना, ऐसा है ना, जरा देखना तो सही है ना। ओ हेलो आवाज जा रही है ना, वो सही था कंपेरिजन, बढ़िया है ना, बताना जरा। हाँ मैम डिड यू गॉट योर फेवरेट ब्रांच इन आईआईटी? या मतलब अब फेवरेट ब्रांच का वैसे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सो ये पता ही है, ये तंग करेंगे अभी बहुत सारी चीजें तुमसे ना ऐसे पूछते हैं। हां मतलब मैं थोड़ा टाइम के लिए टेंशन और एक डाउट्स वगैरह को प्लीज साइड पर रखो। डू यू प्ले अमंग अस? ओ देखो आई डू, मतलब मतलब बताओ कि हां मतलब स्ट्रेस तो उसी से रिलीज ही करते हो क्या अमंग अस से भी? देखो अमंग अस हमारे एपिसोड का नाम अमंग अस रखने के पीछे ना रीजन क्या था, मैंने जैसा बताया भी थोड़ी देर पहले, तो जिन लोगों ने अभी फ्रेश ज्वाइन किया उनको बता दूं कि एक्चुअली पर्पस क्या है हमारे सेशन का। हम टाइम टू टाइम जब भी ये सेशन करेंगे ना तो उसमें हम चाहेंगे कि आप अपने सीनियर से मिलो, उनसे जानो कि बेसिकली जो मेंटल प्रेशर होता है या फिर जो भी कॉलेज के बारे में आपको जो बातें पूछनी होती है, आप इंटरेक्शन अच्छा रखो अपने सीनियर से, तो क्लैरिटी बहुत सारी बातों में रहती है, आपको एक डायरेक्शन मिलता है, आपको पर्पस मिल सकता है अपनी प्रिपरेशन का, इंस्पिरेशन तो मिलता ही है ना। और इस सीरीज का नाम है अमंग अस रखने का पर्पस सबसे बड़ा ये है कि हम चाहते हैं आपके साथ कभी कभी अमंग अस खेले, जैसे पहले हम कोविड से पहले क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे बच्चों के साथ, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती थी, वैसे ही हम चाहते हैं। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले पूछा भी था कि भाई क्या पसंद है आपको, क्रूमेट बनना, इंपोस्टर बनना, है ना, ये अनाउंसमेंट में बार बार करो भाई, प्लान है हमारा अमंग अस खेलना है आपके साथ कभी कभी, देखना है कौन कितना बेइज्जत करवा पाता है हमें, हम एक्सपर्ट आप एक्सपर्ट, कौन जीतता है देखा जाए, कभी कभी बैठे हम भी, है ना, देखा जाए आपको। अभी तो कोविड के टाइम हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ही देख सकते हैं। हाँ ये 100 लाइक कर दिए इन्होंने, ये करवाने वाले बेइज्जत है, समझ रहे हो, ये मतलब कि ये मेरी रोस्टिंग के लिए हो रहा है क्या? बाप मेरी रोस्टिंग का प्लान है क्या? अरे देख लेते हैं आपको क्या भी आप। अच्छा वैसे कंपेरिजन कैसा था मैंने अपनी तरफ से, मतलब अच्छा गाइस देखो आवाज हो सकती कम हो जाए, मुझे बताओ यार मुझे पॉइंट्स मिलने चाहिए, मैंने मैंने कंपेरिजन किया प्रकृति के लिए, जरा ये देखने से पहले वाला अच्छा था ना, चश्मा या चश्मे के बिना, चश्मा या चश्मे के बिना बताना तो, चश्मा या चश्मे के बिना क्या बेटर है, आ? चश्मा या नहीं नहीं दीदी दीदी इज फ्रॉम चंडीगढ़, चंडीगढ़ सेंटर से, चंडीगढ़ सेंटर से, अरे ये कंपैरिजन सही था ना, अच्छा चश्मा चश्मा देखा, ओह मैंने कहा था चश्मा ना, चश्मा बेटर ना, चश्मा बेटर है यार, चश्मा बेटर है, माइक ऊपर रखना थोड़ा तो हो सकता है कि आवाज कम जाए, है ना।
यस चश्मा चश्मा बेटर तुम्हें क्या पसंद? मुझे चश्मा नहीं पसंद. तुम्हें चश्मा? अच्छा ऐसा है क्या, कितने कितने चश्मिश लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार चश्मा ओफ बोझ है, काफी बड़ा बोझ है. मतलब मेरे साथ तो पता क्या होता था, मैं चश्मे जब भी पहनता था ना ऐसे जैसे. हाँ मतलब मोहित सर को चश्मा लगा हुआ है, लेंस पहनता हूँ. मतलब हाँ मोहित सर को चश्मा लगा हुआ है, उनको चश्मा पहनना बिल्कुल पसंद है. ठीक है, सो अभी लाइक मोहित सर का फर्स्ट रोस्ट, पहले ही राज खोल दिया मेरा. मोहित सर का फर्स्ट रोस्ट. ओके, सो जब वो पढ़ाते थे मेरे टाइम तो 100 लाइक का रोस्ट हो गया. हाँ मतलब 100 लाइक का रोस्ट. तो क्या मतलब तुम 200 लाइक पे तुम फिर रोस्ट करोगे मुझे? तुम्हारे पास ऐसा क्या मुझे रोस्ट कर दोगे भाई? और 200 कर भी देगा वो तो बहुत डर लगता है. लास्ट टाइम वो रोहित सर के लिए 400 कर दिया था, जो 400 होते नहीं यूजुअली. अरे बाप रे, वो प्लान रोहित सर ने तो बोला था कि 500 हो जाएगा तो टीचर उधर आ रहा है. I tell the first rose now. तो जब ये पढ़ा रहे होते हैं ठीक है, क्लास में से दूर तक बच्चे बैठे होते हैं, क्लासरूम्स बड़े बड़े होते हैं, इनको पता नहीं, इनको बच्चे दिखाई तक नहीं देते. क्लास में बेइज्जती करोगे हमेशा तंग करेंगे वो. इनको बच्चे दिखाई तक नहीं देते, इतना बड़ा नंबर है इनके चश्मे का. एंड अंदाजा लगाते हैं कि बच्चे ने कॉपी में क्या ड्रॉ किया दूर से. अरे यार इनको दिखाई नहीं देता है. बोले हाँ ये कर लो पहले. ये हाँ ये कर लो पहले वाला किसमें चल रहा था यार? हाँ ये कर लो पहले, ये आईपीएल का था क्या? हाँ कुछ तो था. हाँ ये कर लो पहले, नहीं वो राजू श्रीवास्तव का था, मुझे ऐसा याद आ रहा है. चलो ऐसे करते हैं, देखो सेशन को ना हमारा पर्पस है थोड़ा लाइट रखना यार, ठीक है? और मेरी बहन है मेरे साथ तो वो मुझे थोड़ा तंग करेगी, बट मुझे नहीं लगता है कि वो इतना ज्यादा रोस्ट कर पाएगी. ऐसा कुछ छुपा हुआ प्लान होगा तो पता नहीं मुझे, बट ये मतलब तुम लाइक्स की खातिर मुझे रोस्ट करवा दोगे? और वो एक वो वाचिंग बढ़ते चला जा रहा है, वो डबल हो गया जितने पे थे वो करवा दे. थोड़ी इज्जत का ध्यान रखना, मेरे लेक्चर्स लगते हैं यार यूट्यूब पे, वो फिर वही कमेंट में लिख चले जाने से पहले सोचना था. चलो फिर तो एक काम करते हैं, शुरू में कुछ ना कुछ एग्जाम रिलेटेड कुछ लाइट बातें करते हैं. मैं नहीं चाहता कि सेशन ना हेवी हो जाए और बहुत ज्यादा जो प्रिपरेशन से रिलेटेड एकदम सीरियस बातें होने लगे. मैं चाहता हूँ कि टाइम टू टाइम बीच बीच में ना हम जो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन वगैरह कुछ करते रहे, ठीक है? फिर बीच में जो है कुछ और बातें, आप अपने कॉलेज के बारे में बताओ, लाइफ स्टाइल के बारे में बताओ कि भाई कॉलेज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोविड में पढ़ाई का क्या हुआ, कोविड में इंजीनियरिंग का क्या हुआ. तो पहला एक बेसिक क्वेश्चन रखा है प्रकृति के लिए, आवाज ना जाए तो बताना, माइक अपने पास एक ही है. सो पहला बेसिक क्वेश्चन है कि इज प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएससी एंड एससीजीएस ओलंपियाड डिफिकल्ट अलोंग विद स्कूल एग्जाम? बहुत कॉमन क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में रहता है. क्या आई मीन मुझे समझ नहीं आता, ठीक है तुम लोगों के पास इतना दिमाग है, थोड़ा सा लॉजिक मतलब लॉजिक लगाओ. स्कूल एग्जाम का सिलेबस इज अ सबसेट ऑफ बेसिकली ऑल दिस ओलंपियाड का सिलेबस. तो तुम अगर ओलंपियाड का सिलेबस अच्छे से कर रहे हो, क्यों फालतू का टेंशन लेना तुमको कि स्कूल एग्जाम का प्रिपरेशन होगा या नहीं? हो गया ना स्कूल, उसके अंदर कवर, उससे ज्यादा ही पढ़ रहे हो तुम. तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि स्कूल एग्जाम का सिलेबस इतना सा है जो तुमने पढ़ा उसके सामने. जस्ट स्टडिंग रिलीजियसली, आई मीन स्कूल एग्जाम इज जस्ट सबसेट, सो आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी. फालतू का टेंशन लेने का आदत है तुम्हें, तुम्हें क्या करो. क्या बात, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, दैट वाज सो ऑसम. टॉपर्स गॉड गिफ्टेड होते भाई, गॉड गिफ्टेड, तू गॉड गिफ्टेड ही आई थी. हां मुझे तो नहीं लगता है ऐसा, मतलब हां लेकिन गॉड गिफ्टेड आई थी तभी तो पहली बार क्लासरूम में आई थी तो गुस्सा किया था. मुझे पहली बार क्लासरूम में आई थी, पहली बार क्लास में आई थी बहुत गुस्सा किया था. पता भी नहीं था कि हम जो है वो ना मतलब कि बिछड़े हुए भाई बहन है, ये भी पता नहीं था. मतलब जब पहली बार क्लास में आई थी कितना गुस्सा किया था. तुम्हें क्या लगा था, पढ़ाने वाला नहीं लगा था, पूछा मारने वाला लगा था क्या? क्या क्या लगा था तुम? मतलब मैं जब क्लास में घुसी थी, वाज जस्ट सिटिंग बिटवीन स्टूडेंट्स, ऐसा मतलब पता नहीं लगता सर को देख कि वो टीचर है या स्टूडेंट. एंड वो बैठ के ऐसे टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे, तो मैंने बस टेबल पे बैठ के क्या, तो टेबल पे बैठ के तो खाते किधर, टेबल पे कौन बैठ, ऊपर वाले टेबल. अच्छा चेयर, टेबल में चेयर पे बैठना होता है खाने को ऑब्वियसली. नहीं कर पाओगे, 200 हो जाए तो देखते हैं. और ऐसा भी तुम क्या रोस्ट करोगे? देखो अब तुम्हें मोहित सर को रोस्ट करवाना है तो लाइक्स बढ़ा दो यार, मतलब सर को, सर का थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस चूर चूर करते हैं. मुझे रोस्ट कर दोगे? पहले तो लाइक जाने दो, पहले तो 200 देखते. तो 200 पे तो मतलब 200 पे रोस्टिंग का लेवल अलग है, 300 300 लाइक. मतलब
स्टोरी का लाइक रोस्ट का लेवल भी बढ़ता जाएगा. सो अगर 300-400 पहुंच गया, आई हैव अ रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी. मतलब मैंने धोखा दिया था एक बार स्टूडेंट्स को, तो मैं बताऊंगी क्या धोखा दिया था. क्या पार्टी नहीं दी थी मैंने? नहीं मतलब काफी बड़ा पार्टी तो मैं देते रहता हूं, पार्टी देने में तो मैं था ऊपर था. नहीं सर को मतलब ठीक है, मैं रिवील क्यों करूं? तुम 300-400 पहुंचा दो, मैं बता दूंगी. दीदी बीच पर आज, अरे दीदी दीदी के ब्रांच पे तो अभी देखो क्या बवाल मचने वाला है. अच्छा इसका आंसर आई डोंट थिंक सो. मतलब इट्स नॉट लाइक गॉड गिफ्टेड, जो तुम करते हो वही रिफ्लेक्ट होता है. सो टॉपर का मतलब कुछ है नहीं, इट्स ऑल रिलेटिव. तुम एक चीज में टॉपर होगे, दूसरी चीज में निहायत ही निकम्मे होगे तुम. मतलब क्या ये सही है तो टॉपर का आज सच कोई डेफिनेशन भी नहीं है तो यस मतलब क्वेश्चन ही गलत लग रहा है. ओहो दिल की बात. मुझे लगता है 4-5 साल हो गए. तो गया था मैं लास्ट टाइम सब इन लोगों के साथ. मैंने IIT बॉम्बे में जो विजिट किया था, मैंने फोटोज वगैरह भी डिस्कस करेंगे शायद. तो यार सच में आप वहाँ पैर रखोगे, आपको फील होगा कि दिस इज एक्चुअली द मोस्ट क्या एलिटेस्ट भी होता है तो एलिटेस्ट कॉलेज ऑफ द क्या यूनिवर्स तो नहीं इंडिया तो एटलीस्ट बोल सकते हैं. मतलब देखो ऐसा एलिट का कोई वाइब्स ऐसी हैं दोस्त, ऐसी वाइब्स हैं कि आप बिल्कुल ना ओहो वहां से आने का मेरा तो मन नहीं था. और जो पीछे जो लेक है ना, उन लेक के बारे में बताओ. हाँ लेक की बहुत सारी थियरीज है एक्चुअली. मतलब ऐसा माना हमने कभी देखा नहीं है, बट लेक में ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे मगरमच्छ भी है. तो देयर आर क्रोकोडाइल्स. और एक साल था जब बहुत बारिश हुई थी एंड वो कैंपस में पानी भर गया था, तो वो क्रोकोडाइल्स लेक से निकल के कैंपस में आ गए थे, ऐसा सुना है मैंने. मैंने कभी देखा नहीं. एंड देयर आर टू लेक सेपरेटेड बाय अ माउंटेन. पीछे वाली लेक इज रेजाइडेड बाय लेपर्ड्स. तो हमारे कॉलेज में लेपर्ड भी बहुत आते हैं. जब मैं गया था तो मुझे किसी ने बताया कि मगरमच्छ है, लियोपर्ड है. और मैं चला जाता तो चले जाते तो थोड़ी मतलब आज मैं अकेले ले रहे होते, पर से बोल नहीं हो रहे होते आपकी कमेंट्री से. ये और टाइम के साथ जलवा जलवा दिख रहा मुझे. दीदी विच ब्रांच अरे यार ब्रांच प्लीज छोड़ो, मैंने तो ब्रांच बोलोगे तो मैं भाग जाऊंगी यार. ये इसके इस व्यू के बारे में बताओ. कॉलेज के जस्ट पीछे, कॉलेज के सामने दिखता है यार. मैं तो ये व्यू देखकर हां दिस इज हीरानंदानी. तो मतलब ये हमारा कॉलेज है लेक के उस साइड पे. ये हमारा कॉलेज है और उधर वो लेक के बाहर हीरानंदानी है. बहुत ब्यूटीफुल व्यू आप देख सकते हो. मतलब ना कि जनरली क्या होता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो सिटी से बाहर होते हैं यार, इतना प्यारा व्यू और इतना अच्छा लोकेशन वगैरह तो लोगों ने गेस भी कर लिया लेक को. बाबा ये बॉम्बे वाले भी हम गए इसमें तो पक्का है ना. चलो ये तुमने खींची हुई फोटो है, तुमने जो दी थी वो लगाई है और ये पहले दिन की है ना. हाँ तो दिस इज समवट हाउ योर डे वन लुक्स. एंड मतलब तुम्हें डे वन से रियलाइज हो जाता है कि तुम्हें मतलब जो माइक पे खड़ा हुआ इंसान है, मतलब मेरे पे अप्लाई मत करना, ये वहाँ की बात हो रही है. तो माइक पे खड़े जो इंसान है उनकी बातों पे कितना ध्यान देना है, कितना सुनना है, कितनी नींद आने वाली है तुम्हें. मतलब बहुत बोरिंग स्पीचेस. और ये ब्रांच इनका ये ब्रांच में ब्रांच का शॉर्ट फॉर्म बनता है एमी मी. मतलब कि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बोलते हैं कि मैं ही ब्रांच हूँ. हाँ क्या है ये? ठीक है ये काफी लेम था. मतलब कितने लोग, मतलब मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में कितने लोगों को ये जोक लेम लगा. वाह 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 ये कोई बात नहीं. कमेंट सेक्शन में आप कैसे बोल सकते हैं ये सब बातें, ये जोक लेम लगा. ये जो भी मैं कर रहा हूँ उन्हीं के लिए कर रहा हूँ यार. अच्छा देखो मैकेनिकल ब्रांच में ना कितने सारे मैकेनिकल ब्रांच के तो मीम्स बनते हैं यार. एक जैसे ये गर्ल्स नॉट सिंपली वॉक इनटू मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तुम्हारा फेवरेट कौन सा? अच्छा ऐसा कुछ था क्या जो बचपन से कुछ ऐसा करते थे? नहीं कुछ खास नहीं ना. और ये वाला मेरा फेवरेट है, ब्लैक जगुआर इज द सेकंड रेयरेस्ट क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड एंड गर्ल्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टिल रिमेंस एट फर्स्ट.
मतलब बहुत रेयर बात है और आप पूछोगे तो, बट आई सल्यूट प्रकृति को कि भाई इसने अपनी तरफ से सोचा कि नहीं मैं इसको करूंगी, इसको चूज किया है और बहुत मजबूती के साथ ही कर भी लिया। और भी मीम्स होने चाहिए थोड़ा ऊपर के लेवल पर है ना, कि ऐसा होता है क्या कि शादी के बाद क्या वो क्या ऐसी कैसी कैसी बात है। लड़के तो अलग ही सोचते हैं, मतलब बॉयज और कुछ लोगों का तो ये सोचना होता है ना कि अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं करोगे तो जैसे लगता है कि आर्यन मैम का सूट ही बना होगा, थोड़ा वो भी क्लियर कर दो ऐसे कुछ है नहीं क्या मतलब। हाँ ऐसा तो कुछ नहीं होता अगर तुम्हें लग रहा है, मतलब पता नहीं क्या क्या ख्याली फुला हुआ था तुम्हारे दिमाग में। चलो टाइम टू रिवील अ सीक्रेट अबाउट यू, जल्दी से एक सीक्रेट बताओ, जल्दी से टाइम हो चुका, कुछ जानना चाहते हो फटाफट। ठीक है, I can probably guess इस टाइम पे मेरा कोई क्लास में लेक्चर चल रहा होगा मैं बाहर मतलब मतलब सच्ची हाँ मतलब you realize कि ultimately तुम्हें सब अभी कुछ अच्छे खासे दिन है तुम्हारे, enjoy कर लो, तुम्हें अच्छे टीचर्स मिलो, ऐसा नहीं कि मतलब IIT Bombay के टीचर्स अच्छे नहीं है, बट तुम्हें एक टीम ऐसे लगने वाला उनका हर लेक्चर तुम्हें लोरी लगेगा, क्लास में इसी में इतनी मस्त नींद आने वाली है, मिडसेम मतलब ये तुम्हारा एक दो महीना रहेगा उसके बाद तुम रूम पे सोना चालू कर दोगे। तो याद आ मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए लाइफ पे, बट ठीक है दिस इज द ट्रुथ। सच्चाई आप बोलिए, अरे ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हां मतलब लोग सुनने के लिए आए हैं, मैं अपने आप को ही रोस्ट कर रही हूं ना वे तो। अच्छा अच्छा आपकी रोस्टिंग से याद आया कि आपके रोस्टिंग के प्लान तो लग नहीं रहा, बढ़वा लो। हां मतलब गाइस कीप अप द स्पिरिट, लाइक्स बढ़ाओ, दैट्स अ अपकमिंग रोस्ट। सो मतलब अपकमिंग रोस्ट मतलब किसका रोस्ट, मेरा आपका? वो तुम क्या तुम मतलब तुम्हें कितने लोगों को लगता है मैं रोस्ट होने वाला हूँ, ऐसा है क्या, ऐसा फील होता है तुम्हें? जर देखो तो ऐसे प्यारे से बालक को देख करके तुम्हें लगता है कि कोई जो है वो रोस्टिंग कर सकता है? ये देखो लगता है, अरे कैसे बेशरम लोग, अरे तुम्हारे लिए 2018 वाला पेपर सॉल्व करवाया था तुम्हारे लिए 2019 वाला, यार मैंने कितना क्या बोलूं मैं, सबको लगता है पेपर के बाद कौन लेके आ रहा है स्ट्रेस बस्टर सेशन में। अच्छा तो ये भी सही पॉइंट है यार, स्ट्रेस बस्टर से सही पॉइंट है, बट इसको रिपीट करते रहना। हाँ। तो सीक्रेट सुना सबने, सीक्रेट एक बार बोल दो भाई, सीक्रेट सुना हाँ, सबने। सीक्रेट ये कि कुछ लोग आते हैं, मेरी नींद पे कोई कंट्रोल नहीं है, मेरी रूममेट चैट सेक्शन में बैठी है, आई गेस मतलब काफी सारे कमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, रोस्ट करने की बहुत कोशिश की जा रही है, ना कायम कोशिश की जा रही है तो हाँ, बट मेरे को बहुत नींद आती है क्लास में और मैं सो जाती हूँ इवन फर्स्ट बेंच पे बैठ के, अल्टीमेटली सब कुछ खुद ही। आर फॉरेनर्स अलाउड इन आईआईटी फॉर स्टडी? या दे आर, आई मीन दैट इज वन ऑफ द गुड एक्सपीरियंस ऑफ आईआईटी। अरे कौन है बोल रहा है कि नहीं उससे नहीं लगता है कि मेरा रोस्ट हो पाएगा? हां सर थोड़ा तो रोस्ट चलता है, थोड़ा क्या बहुत चलता है। हेलो भाई थोड़ा तो रोस्ट चलता है, ये क्या है क्या बोल रहा है भाई? ओके सो स्पीक लाउडली, नॉट ऑडिबल, ओके आई ट्राई माय बेस्ट, स्पीक लाउडली। आप थोड़ा सा क्या बस इसको पास में रखना। अच्छा एक बात जो मुझे पूछना है, टेल अस योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, प्रगति अपनी तरफ से बताएगी क्या बिगेस्ट स्ट्रेंथ है? सोना तो हां मतलब सोना तो है ही, बट मतलब तुम मुझे ठीक है मेरी रूममेट वहां पे, मैं झूठ तो बोलूंगी नहीं, सोना इज माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ, मतलब तुम 2 मिनट बाद नोबिता बोल सकते हो मुझे। नोबिता? अच्छा ऐसा तो नहीं है, मतलब नाक वाक तो नहीं तोड़ते रहते हो? अच्छा नाक वाक वैसे हां, मैं अभी इस ईयर पर्टिकुलरली काफी फेमस हुई थी कि मतलब कोई मुझसे पंगे मत लेना। परफेक्ट बैठ गया ये तो यार, मतलब पंगे ना लेते जैसे था जो भी शायद स्लाइड में नहीं है, बट ठीक है मैं क्यों शेयर करूं क्या लिख रहा है सर, रोस्ट नहीं होगा पर नाम ले लो भाई, क्या बीमार हाँ बट ठीक है, मतलब मेरा ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज मैं मोटिवेट बहुत अच्छा करती हूँ, एंड इंजीनियर्स का बेस्ट स्ट्रेंथ इज तुम कुछ नहीं पढ़ते, तुम क्लास में सोते हो, बट फिर भी तुम एग्जाम से एक रात पढ़ के मतलब किसी तरह तुम सारे असाइनमेंट सब कुछ एक रात पहले ही होता, आई थिंक दैट इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। अच्छा ये वीकनेस वाला जो पॉइंट है, मतलब वीकनेस वाला पॉइंट जो है वो मैंने मतलब कि बिल्कुल सही कैच किया ना, मतलब कि कैट लवर है ना, ऐसा क्या? और ये सीन तुमको याद है कौन सी मूवी से? अच्छा इससे पहले जो सीन था ये कौन सी मूवी से है पता? ये हैरी पॉटर से, मतलब
इतना तो श्योर, कोई बता सकते कौन से पार्ट से है ये? भाई देखते हैं, आपको तो नहीं याद होगा। अच्छा मतलब स्टड बंदे भाई, आईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स को जरा जरा चेक करते रहो ये कितना ना मतलब मूवीज वगैरह देखते हैं कि स्पेशल सेक्शन भी मुझे ये भी जानना है। अरे मेरे को याद भी है। और ही थ्री और भाई ये ना ये मूवी से रिलेटेड। ओके सो देयर इज एन एचपी फैन आल्सो फ्रॉम माय एनएसएस टीम एट आईटी बॉम्बे। हां मतलब हां कमेंट्स में है वो। ओ या अरे यार सही है। ये कौन से पार्ट से? ओके सो ये वाला पार्ट भी गेस कर दो। आई मीन ये अच्छा तुम्हें कैट लवर ऐसा तो नहीं कि मैडम के जैसे बिल्ली में चेंज हो जाता? नहीं काश हो जाती वैसे। सही फोटो हाथ लगी और आंसर भी बहुत सही। नहीं फोर नहीं है वो, आंसर टू होना चाहिए सेकंड वाले का था। फिलोसोफर्स स्टोन, हाँ यार सही है, फिलोसोफर्स स्टोन इतना करेक्ट आंसर प्रीवियस वाले के लिए है ना। और बाकी फोटो हाँ मतलब ये पॉइंट करेक्टली गेज किया मेरा। बिल्ली का कोई नाम? बिल्ली का नाम नहीं है, मतलब बिल्लियां गायब हो जाती है मेरे हॉस्टल की दो तीन बार। सैडली हमें अलाउड नहीं है बिल्लियां रखना, तो मैं क्या करूंगा। गाइस कैट्स या डॉग्स, द डॉगीज या फिर कैट्स, अब बताना तो कूल कौन होते ज्यादा? ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं होता मतलब क्या? सही सही सही। आप एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक्टिविटी कंपेयर कर सकते हो आपस में? नहीं ना मतलब नहीं करते ना और क्यों अच्छा ये बताना कि हम दोनों में से टीचर कौन है भाई, मुझे डाउट हो रहा है। अरे ये तो बता दे कि तू टीचर भी आईटी बॉम्बे में। प्रकृति ना टीचर भी आईटी बॉम्बे में, मतलब स्टूडेंट भी और टीचर भी है, जरा एक्सप्लेन करना तो कैसे? अरे आई एम नॉट एग्जैक्टली अ टीचर बट देयर इज अ थिंग कॉल्ड टीएशिप, आई मीन टीचिंग असिस्टेंट। सो बेसिकली ट्यूटोरियल इज देयर आर लेक्चर्स जहां पे प्रोफेसर आके मस्त कहानी बोलते हैं कि ऐसा क्यों था वैसा क्यों था, किसी काम के नहीं होते लेक्चर्स। ट्यूटोरियल में यू एक्चुअली सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड वो एक टीए पढ़ाता है एंड टीएस आर बेसिकली स्टूडेंट्स एट आईआईटी बॉम्बे हु अप्लाई फॉर टीएशिप एंड गेट सेलेक्टेड। सो या आई एम currently your TA of organic chemistry in my institute. हाँ तो वही reference पकड़ा इन्होंने। चलिए 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 चलिए। ओह ये तो पीछे जा रहे ना। ओह सो भाई एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन मुझे जानना है कि ये सभी लोग जानना भी चाहते हैं IIT Bombay वाले करंट अफेयर्स के साथ जो है वो कैसे चलते हैं, तो ये करंट अफेयर पता बहुत फेमस हुआ था रसोड़ी में कौन है? अच्छा हाँ मतलब हम इतना पढ़ाई में नहीं उलझे होते हैं, हमें इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता होता है। अरे रसोड़े में कौन सा मतलब इसका आंसर तो काफी सारे होते हैं। करेक्ट आंसर विनोद है। अरे ये दोनों अलग टॉपिक्स हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है चलो ठीक है। वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अस अदर देन कोविड, कैंपस छीन लेना हमसे। दिल की बात। ओहो हो कैंपस छीन जाना वाज द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड टू अस। मैम कैन यू प्लीज द tell the procedure of applying in IIT for foreigners foreign internship? Yeah nahi matlab foreigners bhi ja hi dete hain as far as I remember haan to main keh rahi hu foreigners bhi I think ja hi dete hain so ab main foreigner nahi hu to mujhe itna nahi pata। गाइस यार बहुत देर हो गए मुझे अपना मतलब हर्ट्स नहीं आया यार। बाय द वे 200 करने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? तो मतलब अगर 300-400 नहीं पहुंचे यू विल मिस द रोस्ट एंड द रोस्ट इज सर्टेनली अमेजिंग। तो मतलब अमेजिंग क्या? बुलाओ अपने दोस्तों को यार, मतलब लाइक्स बढ़ाओ, आई वांट टू रोस्ट सर। तो आई थिंक एवरीवन वांट्स टू। ये मतलब कि ना यहां पर चलो ठीक है स्ट्रेस बस्टर सेशन है, मतलब ये कि ये मोहित सर बस्टर सेशन थोड़ी ना। देखो अब अपने टीचर को रोस्ट करना इज द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर फॉर मी, तो मतलब अरे अर्णव 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 भाई मेरा थोड़ा तो शर्म कर ले भाई। अर्णव भाई क्या कर रहे हैं? अर्णव भाई क्या चल रहा है? मोहित सर नाम ले लो वरना लाइक करूंगा। अरे भाई हार्स चल 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 बड़ा भाई बड़ा भाई लाइक लाइक बढ़ाओ जल्दी। हार्ट्स आते रहने चाहिए, हार्ट्स नहीं रुकने चाहिए, हार्ट्स आते रहने चाहिए, हार्ट्स आते रहने चाहिए। इट्स अनदर लाइक 200 तो ओ और लाइक स्पीड बढ़ गई, बढ़ाओ बढ़ाओ मतलब। ओहो ये इसका आंसर हो गया वर्स्ट थिंग्स का। हां सो वर्स्ट थिंग या हमारा कैंपस छीन लेना वो थी वर्स्ट कोविड की वजह से। हां मतलब कोविड से भी वर्स्ट था वो, मतलब कुछ भी हो जाए कैंपस नहीं छीनना चाहिए हमसे।
ये हुई आईटी बॉम्बे के किसी स्टूडेंट के दिन की बात। वैसे तो लोग इसका आंसर ऐसे ऐसे कर देते, बोलते कि इंटरनेट नहीं है, बैटरी नहीं है, ये सब वर्स्टिंग होती है। नहीं मतलब लोग चिंटू चिंटू से प्रॉब्लम। क्या बात है। चलो अब कुछ अपनी तरफ से बताओ, मुझे चाहिए कि ना आप इन एग्जाम्स के लिए सबसे ना वो बेसिक फंडे बताओ। जैसे भाई आपको पता, देखो व्यूएस पे ना सारी चीजें अवेलेबल हैं स्कोर करने के लिए एग्जाम्स में, स्पेशली एनटीएससी एंड एससीजीएस। बट मुझे ना एक्चुअली चाहिए कि ना तुम बच्चों को थीम बताओ कि आप सबसे ज्यादा लैक कहाँ पे करते हो। पढ़ाई तो खैर मोस्टली आगे पीछे सभी कर ही लेते हैं वैसे, तो जिन चीजों को ना खास करके ये लास्ट वीक है एनटीएससी का, ठीक है, तो लास्ट वीक में आपको कैसे सोचना है, कैसे रहना है, क्या मेंटल आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, नहीं ये सब बातें बताओ। एनएससीजीएस विद अभी टाइम, बट फिर भी उनके लिए भी वो सब जानकारी एंड में इन जनरल फॉर एनी एग्जाम एक्सेप्ट द एग्जाम दैट आईटी बॉम्बे जहां पे हम लास्ट डे को पढ़ते हैं, लीव दैट साइड, दैट्स एन एक्सेप्शन। तो मैं एक्सेप्शन से बहुत प्यार है तो ये रहा एक एक्सेप्शन। हां अभी अच्छा किसी भी एग्जाम के लिए लास्ट वीक आई डोंट थिंक तुम्हें कोई ऐसा नया, तुम सब कुछ पढ़ लेते हो लास्ट वीक पे, तुम्हें होता है ये सिलेबस रह गया, ये रह गया, सर ये पढ़ा दो, सर वो पढ़ा दो, मतलब पागल कर देते हो अपने आप को। तुमने जो पढ़ा है, चाहे मतलब जितने भी टाइम, 2 साल पढ़ा, 1 महीना पढ़ा, जितने भी दिन पढ़ा, कितनी सारी चीजें तुम्हें पता है, दिमाग तुम्हारा मतलब इतना छोटा सा है बट उसके अंदर बहुत सारी लोकेशन में पता नहीं क्या 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 स्टोर हुआ हुआ है। सबको एटलीस्ट जॉट डाउन करो कि तुमने पूरे टाइम पे क्या पढ़ा, मतलब पढ़ने का क्या फायदा अगर तुम एग्जाम में उसको अप्लाई नहीं कर पाए या यू नो मतलब याद ही नहीं रख पाए। तो सब कुछ ऐसे जॉट डाउन करो, रिलेट करो, कनेक्ट द डॉट्स। दिस इज आई थिंक द मिस्टेक विच एवरीवन मेक्स। एंड एग्जाम से एक रात पहले, मतलब एक दिन पहले, बाय द वे इसी स्टोरी पे बेस्ड है मेरा नेक्स्ट रोस्ट, 200 होते ही मैं बोलूंगी, तो मे बी ऐसे बोलते बोलते ही हो जाए। तो एग्जाम से एक टाइम, एक दिन पहले तो मैं मूवीज देखती थी। अब हैरी पॉटर मैंने कैसे देखी आईआईटी बॉम्बे आके, नहीं, जितना मेरे प्रेपरेटरी एग्जाम्स के टाइम पर मैंने हैरी पॉटर सीरीज खत्म किया सब एग्जाम से एक दिन पहले देख देख के। तो यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज योर मेंटल कूल शुड बी देयर, अदरवाइज तुम इतना पैनिक कर जाता दैट, हाँ वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू हमारे लिए कैंपस छिन जाना, वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू गाइस इज यू लाइक लूजिंग योर मेंटल कूल ड्यूरिंग द एग्जाम। सो आई थिंक दैट्स द आईटी और ऑक्सफोर्ड मोस्ट डेंजरस, व्हिच वन इज द बेस्ट? Yeah, दोनों अपनी अपनी जगह है। आई डोंट लाइक कंपेयरिंग कॉलेजेस टू बी ऑनेस्ट, मतलब दोनों अपनी अपनी जगह है। इवन इफ आई वुड हैव बीन एट ऑक्सफोर्ड, मुझे लगता कि मेरे को इस वजह से आईआईटी बॉम्बे जाना है, मैं आईआईटी बॉम्बे तो मुझे लगा मुझे इस वजह से ऑक्सफोर्ड जाना है। देयर इज नो एंड टू द ग्रीड ऑफ ह्यूमंस। सो लाइक्स में बढ़ते हैं, हां जल्दी से 200 कर दो। वो 400 पहुंचा देंगे, वो देखेगा नहीं, लाइक्स पहुंचा देंगे 400। ज्यादा स्ट्रेस मत लो, मतलब ये बहुत ठीक है, ये कब से मतलब द स्टेटमेंट आई हेट जो भी मुझे बोलता है स्ट्रेस मत लो, मतलब ऐसे बोलने से थोड़ी ना स्ट्रेस दूर हो जाता है, बट ठीक है एक रिवाइज करो सब कुछ ऐसे जॉट डाउन करो, ज्यादा टेंशन मत लो, 2 दिन पहले बस बंद कर दो, जितना हो गया हो गया, लास्ट के 2 दिन में कुछ नहीं उखाड़ लोगे तुम पढ़ के, मतलब तो बस आराम से मस्त मूवीज देखो, सब करो, चिल मारो। एंड हाँ अभी सर्दियां हैं, सो वन थिंग सीक्रेट नंबर 2, मतलब मेरे को पूरे प्रेपरेशन में व्हाट थिंग सेव्ड मी वाज जस्ट अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर एंड हनी, दीज 2 थिंग्स सेव माय एंटायर प्रेपरेशन। मतलब अभी तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल टू व्हेनेवर यू वेक अप इन द मॉर्निंग हैव अ वार्म ग्लास ऑफ वाटर विद 1 स्पून ऑफ हनी इन इट एंड दैट सर्व्स अ ग्रेट डील। अभी समझ नहीं आएगा बट शायद बाद में समझ आएगा। थैंक यू, बहुत अच्छी बात बताई। लास्ट वीक में जो आपकी हेल्थ है वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो पूरा ध्यान रखना है ना बेसिकली। ये अपनी तरफ से बहुत अच्छा हेल्थ टिप था खुद को फिट रखने के लिए, तो गर्म पानी तो बहुत जरूरी है, सिर्फ सुबह में लेते हो वैसे मेरे हिसाब से, तो सुबह में उठ करके और रात में सोते वक्त। मुझे हनी पसंद नहीं है बट स्टिल मैंने अपने आप को मतलब मना लिया था सुबह के लिए, तो बहुत अच्छा। एंड फन फैक्ट, मैंने मेरा लाइक जब मैं सर से पढ़ने आई थी फर्स्ट वीक में, मेरे को 3 बार बुखार हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जॉशन, उसके बाद मुझे पूरा साल नहीं हुआ क्योंकि मैं हनी वाटर ले रही थी। आई एम नॉट जोकिंग, मतलब नॉट लाइंग, ये एक्चुअली हुआ। एंड मैं हर 2 महीने में बीमार पड़ती हूँ एंड मुझ जैसी इंसान 1 साल बीमार नहीं पड़ी, मतलब लेजिट मुझे 1 बार भी फीवर नहीं हुआ, सो दैट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। आई थिंक आईआईटी बॉम्बे आने से ज़्यादा अचीवमेंट वो था मेरे लिए कि मैं 1 भी बार बीमार नहीं पड़ी। लेकिन जब तुम प्रिपेयर कर रही थी यहाँ पे स्टूडियो में, जब तुम रहते थे
तो मतलब मेरे खाने के हैबिट को देख करके अपना खाने का हैबिट ठीक किया था, या फिर जो है वो सच में मतलब एक मतलब अंदर से फीलिंग थी कि नहीं यार मुझे 7 more likes for 200 and I'm roasting Mohit sir. अब मतलब अरे क्या सर, थोड़ा तो शर्म करो साहब, मतलब लाइक बढ़ाए जा रहे से मेरी रोस्टिंग के लिए क्या <When? laughs> एक ओके ओके सो आई हैव एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर यू गाइस. मतलब ऐसा हुआ अच्छा, था ये क्या मतलब मेरी एक ही बार रोस्टिंग के बाद में हर 100 के मल्टीपल पे बोला मैंने तो आई एम रोस्टिंग यू नाउ. मतलब हां मैं बोल रही हूं. सो अभी केबीपीवाई का एग्जाम था मेरा, ऐसा मैंने बोला ना तुम लोगों की तरह लास्ट वाले दिन सब कुछ पूरा डाउट्स मैंने ऐसे पाइल अप किए थे लास्ट वीक के रिवीजन से, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट थी तो ऐसे व्हाट्सएप पे ऐसे तो नहीं लिए जा सकते थे. तो मैंने सर को बोला कि मुझे डाउट लेना है, सर ने कहा कि एक साथ इकट्ठा कर लो मैं लूंगा. लास्ट डे पे मुझे स्पेशली घर से कोचिंग इंस्टीट्यूट बुलाया, ठीक है. मैं आई इतनी दूर से, 8 किलोमीटर दूर से मैं आई, ठीक है, अकेले इतना मेहनत करके दोपहर में, अगले दिन मेरा एग्जाम है तो मुझे ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए, थकावट हो जाती है. मैं आती हूँ और मैं सर को बोलती हूँ सर डाउट्स ले लो, और मेरे साथ 2-3 और लोग भी थे, मतलब हमारा पूरा ग्रुप था. हम डाउट्स लेने जाते हैं, सर पता नहीं क्या बोलते, ये कब डिसाइड हुआ, मैंने कब बुलाया, ऐसे करके. अब सर को पता है मैं घर पर जा नहीं सकती, मेरा रात को क्या बोलता तो मैं रात को जाऊंगी. तो सर ने क्या किया, हैरी पॉटर की मूवी चला दी लैपटॉप पे. एंड मतलब डाउट्स तो लिए ही नहीं, वो मेरे को बुलाया डाउट्स के लिए पर डाउट्स नहीं लिए, मूवी चला दी लैपटॉप पे. ऐसे कौन धोखा देता है, इमोशंस के साथ खेला. नहीं नहीं अच्छा एक सेकंड, मतलब अब ये बता दो कि वो अच्छे के लिए था, नहीं तो वो गालियां देगा फिर. बताओ उसका हां बट क्या था इन द लेटर रन, मतलब ऐसा लॉन्गर रन मुझे यही रियलाइज हुआ कि दैट वाज एक्चुअली कूल. मतलब गुस्सा मुझे आज भी चढ़ा है कि मुझे मतलब ऐसा डायरेक्टली बोल देते यार कि मूवी देखनी है. मैं थोड़ा अच्छा अगर आपको पता है, चलो ये ठीक है यार, मतलब चलो रोस्टिंग था, मतलब क्या इसी लेवल की रोस्टिंग और भी ऊपर है कुछ. अरे यार क्या तू रोस्ट सुन के लाइक कम कर दिया. हां बताओ तो क्या जल्दी से, मतलब के कुछ और ये किया भाई, क्या वो चलता रहता तो क्या मतलब के और भी कुछ छुपा हुआ क्या. तो ये सब बातें तुमको याद कैसे है, ये सब ये तो अपन याद भी नहीं रखते. सर ने ट्रिक्स दी थी मुझे अपनी मेमोरी बढ़ाने की, अब इतनी अच्छी मेमोरी है तो उसका इस्तेमाल तो मैं करूंगी ना. चल अपनी तरफ से कुछ टिप्स फॉर सक्सेस, ऐसे पता है क्या सक्सेस टिप्स फॉर सक्सेस जो अभी जैसे तुम डिस्कस कर रहे थे, मैं चाहता हूँ कि जैसे कि ना बच्चे जानना चाहते हैं कि एग्जाम में स्कोर कैसे करें ज्यादा, है ना, तो थोड़ा ये बताओ कि स्कोर ज्यादा करना, रैंक ज्यादा लाना, सक्सेसफुल होना, ये अब कॉलेज में जाकर कितना टाइम बिता करके इतने सीनियर होकर के अब तुम लोग क्या फील करते हो कि जैसे बच्चे जो जिस तरह से परेशान रहते हैं एग्जाम्स में रैंक के लिए, तो इम्पोर्टेंट मैं जानना चाहता हूँ बच्चों को अपनी तरफ से बताओ कि वो हार्डवर्क इम्पोर्टेंट है या फिर वो रैंक वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है. पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आया सक्सेस की स्लाइड चल रही है, रैंक कहाँ से आया बीच में. मतलब पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता, हाउ डू यू एक्चुअली डिफाइन सक्सेस. आई नो इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, तुम्हें बहुत सारे लोगों के मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाएंगे, बट तुम्हारे रिस्पेक्ट में व्हाई आर यू ब्रिंगिंग अप रैंक इन बिटवीन सक्सेस. आई मीन सक्सेस इज अगेन रिलेटिव, यू कैन नॉट डिफाइन योर सक्सेस बाय जस्ट वन मेयर रैंक. मेरे बारे में बात करो, आई हैव गिवन मेनी एग्जाम्स एंड इट्स नॉट अगेन एज अ टॉपर, रिलेटिव होता है, कहीं पर तुम टॉप करोगे कहीं पर तुम फेल भी हो सकते हो. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि एज अ टॉपर का थप्पा लग गया सो तो तुम टॉपर हो. तो सक्सेस इज बेसिकली विच गिव्स यू, तुम्हारा कोई गोल था, तुम्हें इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिला, यू गेव योर बेस्ट, यू वर एबल टू अचीव इट, दैट्स इट. आई मीन सो पहला बात तो रैंक को इतना मतलब लेके प्रेशर मत लो. दिस इज वन थिंग विच आई टेल एवरीवन, मुझे नहीं समझ आती थी अपने टाइम पे, बट ठीक है अब मैं बता रही हूँ तुम लोगों को कि मेरे कितने सारे दोस्त हैं, मतलब कितने लोग प्रिपेयर करते हैं साथ में. हर कोई तो एक ही इंस्टीट्यूट में नहीं जाता है, तो कोई कहाँ है, कोई इंडिया के किसी कोने में है, कोई बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटी में है, ठीक है. सबके रैंक्स अलग अलग है, सबके परफॉर्मेंसेज अलग अलग हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज थी. I don't see even a single friend of mine regretting their decisions or their rank right now. उस टाइम पर उनको लगा ऐसा कि पता नहीं क्या हो गया, but all of them are really really happy right now.
एंड इवन आई फील समटाइम्स कि मुझे आईआईटी बॉम्बे नहीं किसी मतलब ऐसे अपने घर के पास वाले कॉलेज में होना चाहिए. सो एवरीथिंग हैज इट्स ओन एस्पेक्ट. तो पहले तो ये प्लीज रैंक का तुम प्रेशर लेना बंद करो. मतलब जैसे अमंग अस में वो कैप्स लेके घूमते रहते हैं ना वो सब क्रूमेट्स, तुम भी ऐसे ऐसे बर्डन लेके घूमते रहते हो अपने साथ. अच्छा भाई किसी ने पूछा है कि व्हाई अमंग अस वाला थंबनेल, आपको बता दो आप पक्का भी आए होंगे क्योंकि कई बार हम इस बात को रिपीट कर चुके हैं कि एक्चुअली हमारा प्लान है कि बच्चों के साथ अमंग अस खेलें. अब लेकिन अचानक से जैसे दो दिन पहले हमने बताया कि हमारा कुछ प्लान है, मैंने इससे बात की कि ऐसे कुछ प्लान है, आओगे बच्चों को इंस्पायर करोगे, हमारे बीच में बातचीत हुई, जिसने बोला कि हाँ टाइम निकाल सकते हैं बच्चों की बात है. तो अमंग अस देखो उसको गाली नहीं पड़ रही, लेकिन हमारा पर्पस ये है ना कि हम आपसे इंटरेक्शन अच्छी करें. क्योंकि मैंने बताया कोविड से पहले क्या होता था ना, हम कैंपस में ही ना खेलने लगते थे, पार्किंग वगैरह में ही ना हम क्रिकेट और ना फुटबॉल वगैरह खेलते थे. तो ना एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में. आज जो बॉन्डिंग है ना, जैसे मैंने बताया कि देखो प्रकृति एज ए स्टूडेंट थी, लेकिन आज जो है बहुत ही प्यारी सी मेरी बहन है, जिससे कि ना बहुत सारी बातें मतलब कि मैं खुद भी सीखा हूँ और बहुत इंस्पिरेशन मुझे भी अपने स्टूडेंट से तो मिलती है इससे. अच्छा हर साल तू राखी भी भेजती है ना एकदम टाइम पे. मैं कहीं भी रहूं इसकी राखी एकदम परफेक्ट टाइम पे आती है. रोज नंबर थ्री सर ने खुद ही आइडिया दे दिया. मतलब कि मुझे बस डर है कि अगेन मुझे लाइफ पे बुलाने से पहले सोचना था, अब तो हो गया. तुम्हारी लैंग्वेज में भी बता देती हूँ. सो थिंक ऑफ दिस एंटायर बोर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ योर लाइफ. एंड जो तुम एक एग्जाम दे रहे हो, जस्ट वन एग्जाम इज नॉट इवन अ पॉइंट इन इट. मतलब पूरे यूनिवर्सल अगर ये सेट है तो वेन डायग्राम बनाओगे तो दैट वन एग्जाम इज नॉट इवन वर्थ अ पॉइंट इन इट. तो तुम सिर्फ एक पॉइंट मतलब कितना छोटा होता है पॉइंट, इन्फिनिट से मेरी स्मॉल, उसके लिए तुम इतना प्रेशर लेते हो और इतना सब कुछ उस पॉइंट के आसपास बढ़ा है, पूरा बोर्ड बढ़ा जिसको तुम देखते तक नहीं हो. सो आई थिंक मतलब सिर्फ तुम खुद ही सोचो कि तुम कितना लूज कर रहे हो लाइफ में. इवन इफ यू गेन समथिंग इन दैट वन पॉइंट, तुमने कितना कुछ लूज कर दिया. एंड वन पॉइंट आई फील इज, मैंने भी ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, सब कुछ सबके साथ अच्छा नहीं होता. मैंने आईआईटी बॉम्बे में डज नॉट मीन कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा. तो तुम इतना पढ़ ले तो इतना अपने आप को सच, पहले मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में किस किस क्लासेस के बच्चे हैं यहाँ पे. आई मीन किस किस क्लासेस के बच्चे अप टू क्लास 10th हो गई. और ये भी पता है क्या, ये इनको बताते रहो एक्चुअली ना, ये बीजी से पूछ रहे हैं कि अमंग अस नाम क्यों है, तो इनको ना मैसेज दो बताओ कि कैसे हम लोग जो है ना, मतलब कि ऐसा नहीं कि जब हम लगातार पढ़ते थे तो ऐसा नहीं कि ब्रेक लेकर के बातें नहीं करते थे, ऐसा नहीं कि हम रिफ्रेश नहीं करते थे, है ना. मतलब ये बताओ है ना ज्यादातर जाके थोड़ा खेलो बाहर, कोविड आई नो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, मतलब अपनी हॉबीज कर. मैं बता रही हूँ वंस यू स्टेप आउट ऑफ क्लास 10th तुम्हें टाइम नहीं मिलने वाला. पीपल विल से क्लास 10th हो जाए सबसेट है, पीपल विल से क्लास 12th हो जाए सबसेट है, आईआईटी बॉम्बे चले जाओ सबसेट है, कुछ सेट नहीं है. अब सेट हो जाता तो मतलब फिर मतलब इंसान क्यों ऐसे जॉब कर रहे होते अपने रिटायरमेंट तक. मतलब मैं तो नहीं करने वाला. हां आप नहीं करने वाले, मतलब मेहनत हर जगह लगती है यार. मतलब इट्स नॉट दैट तुम आईआईटी बॉम्बे आगे तो सब कुछ बहुत सिंपल है, मतलब हम और ज्यादा रोते हैं. सो दिस इज अनदर सीक्रेट ऑफ माइन, मतलब मैं बहुत रोती हूँ. वैसे मैं बता दूं कि भाई प्रकृति के कुछ सीक्रेट्स है जो मुझे बताने अब इसके पास क्या है वो मुझे नहीं पता, बट भाई मेरे पास तो बड़े अच्छे वाले भाई. अच्छा गाइस पहले यार देखो, आपके लिए प्रकृति ने टाइम निकाला और वो इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही है. हार्ट्स रुकने नहीं चाहिए दोस्तों, बिल्कुल नहीं रुकने चाहिए. इसके लिए देखो आज जो सेशन है उसके लिए इसने टाइम निकाला, इसने क्या बताया. कल तेरा कोई क्विज चल रहा था ना आईटी बॉम्बे का जो ऑनलाइन कर रही थी, और ये ना पता है क्या, इसने लगातार अपने क्विजेस ना खत्म की. मुझे लगता है कि ये सुबह तक जागी हुई थी, 4 बजे तक जागी हुई थी, और उसके बावजूद ये आपके सेशन के लिए आई है.
तो इसकी हिम्मत बढ़ाते रहो, है ना, इससे जोश दिलाते रहो। प्लीज मुझे नींद मत दिला देना मैया, मेरे को नींद से तो प्यार है, अब तुम ऐसे बोर करोगे तो मैं सो जाऊंगी। तो रिक्वेस्ट ये है कि यार इसकी खातिर ये अपना टाइम निकाल करके आपसे डिस्कशन कर रही है, आपको बहुत अच्छी बात बता रही है। देखो स्कोर कैसे किया जाता है, पढ़ना क्या है, ये सारी चीजें ना नेट पे अवेलेबल है दोस्त। लेकिन ये जो सेशंस है ना हमारी नजर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना कोई भी प्रिपरेशन एग्जाम की जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ना वो पढ़ने लिखने से नहीं, वो ना मेंटली यहाँ से होती है। तो ये याद रखना कि ये जो सेशन है ये आपके ना मेंटल स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए, समझ रहे हो। और मैं ये भी चाहता हूँ आप ये भी सीखो, मतलब बार बार ये आपको बता रहे कि अमंग अस सेशन की हेडिंग इसलिए दी गई है, और ये सीरीज है, ये चलते रहे। हम ये चाहते हैं कि बीच बीच में आपके साथ ऑनलाइन कभी कभी बैठे देखे, टीचर स्टूडेंट खेले गेम, है ना। कल भी आपने देखा होगा कि हमारे जो नीटवेदा का चैनल उस पर भी हमने जो है टीचर्स की क्विज कराई थी। तो आपको ये आपको ना बार बार आपको ये हम फील करा रहे, बार बार आपको ये बता रहे कि देखो सेशन का पर्पस है आपकी और टीचर की बॉन्डिंग बढ़े। मैं अभी आया हूँ, अगले सेशन में दूसरे टीचर्स भी आएंगे, और कभी जैसे एनटीएसए का एग्जाम जब खत्म होगा तो हम बैठेंगे देखेंगे एक बार कि आप कितना अच्छा है मंगस खेलते हो। बट ये सेशन तो अभी स्टार्ट करने के लिए था, बताने के लिए था कि भाई ऐसा कुछ प्लान है हमारा, हम करने वाले हैं आगे। बट अगर मान लो हम नहीं भी खेल रहे हैं ना, तो इतना तो करेंगे कि जब जब ये सेशन लगेगा तो आपके पास कोई ना कोई मेहनती स्टूडेंट जरूर आएगा जो आपको अच्छी बातें बताएगा, मेंटल स्ट्रेंथ आपका बढ़ाएगा। मेंटल स्ट्रेंथ कुछ बताओ। हां मेंटल स्ट्रेंथ पे बता दो, जस्ट अ क्विक आंसर टू वन ऑफ द कमेंट, लाइक डिड यू गेट अ फेवरेट ब्रांच, आई मीन एनी ब्रांच कैन बिकम योर फेवरेट इफ यू वांट टू यू नो मेक इट द लव ऑफ योर लाइफ। मतलब मेरे को ऐसा किसी पर्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं था, बट आई एम रियली रियली हैप्पी विद माय ब्रांच राइट नाउ। सो your definition of favorite changes with time, because tumhe bahut late realize hota experience ke sath ki what the branch actually holds. Abhi tumhe kuch nahi pata branch ke bare mein, I can assure this. Ha, so there's one more important thing, like this is a golden rule, to golden rule of life, dhyan se sunna. Tum itna prepare karte ho, itna prepare karte ho, tum abhi 10th tak ho yaar, matlab main to socha bhi nahi tha kisi exam ke bare mein 10th tak. तो मतलब बहुत मेहनती स्टूडेंट हैं इसमें, क्लास 8th क्लास 9th वाले भी हैं, अपने सेशंस में भी आते हैं, जो हमारी क्लास वर्क से चलती है उसमें भी आते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे बताते हैं। वीओएस पर जो क्राउड है ना बेसिकली वो बहुत ही ऐसी क्राउड है जो बहुत हम्बल है और ध्यान देती पढ़ाई पे। भाई मैं बताऊं, मैंने अभी ना कुछ 2-3 दिन पहले एनएससीजीएस का ना बहुत टफ पेपर ना डिस्कशन किया था 2018 का, मतलब कि वो क्या पेपर था भाई इनके लेवल पर। तो मैंने हेडिंग में थंबनेल में लिखा हुआ भी बाप ऑफ ऑल एनएससीजीएस पेपर, और फिर भी इन्होंने मतलब कि ना आप देखोगे कि उस पर भी व्यूज है, मतलब कि सबने देखे हैं, सबने मतलब कि जो ऑनलाइन थी क्लास ना उसमें भी लोग प्रेजेंट थे और बड़ा जोश दिखा रहे थे। आई मीन दिस डज नॉट मीन कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो, मेरे किसी भी लाइन का मतलब ही नहीं था, लेजिट हैट्स ऑफ टू यू गाइस हु आर मतलब पुटिंग इन ऑल दीस एफर्ट्स, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि डोंट लूज योर सेल्फ इन ऑल दिस रैट रेस। बहुत मेहनत करने का लेवल जब आप अचीव कर लेते हो ना दोस्तों, उसके बाद ये चीज रियलाइज होती है। जैसे समाज ने जिस तरह से हमारे पूरी सोसाइटी ने और या फिर कई कुछ हद तक तो माँ बाप भी क्या करते हैं ना, गलत तरीके से प्रेशर देते हैं स्टूडेंट्स को, तो आपने ये जो रैट रेस इसमें जो रैंक मेरी नहीं आई ऊपर की तो मैं गड़बड़ हूँ, मुझ में कमियां हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती, यही समझा रही है। ये बता रही है कि भाई लाइफ में जो हम बात कर रहे हैं कि रेस में ना मतलब कॉम्पीट करने में, कंपेयर करने में, ये रैंक बनाने की जो के चक्कर में हम खुद को भूल जाते हैं। भाई कोई बंदा बार बार लिख रहा है योर कोचिंग, बता दो कि पहले आप जो है वेदांतु का जो प्रीक्वल कोचिंग था। Yeah, so Mohit sir, like all the staff was there in Lux Institute and I was a part of Lux Institute during my time. Yeah, so now it's kind of converted into Vedantu. So why same thing? Vedantu ka prequel wo is true. So yeah, the same staff was there in Lux Institute and I was taught by Mohit sir, Abhay sir, and that universal set example which I gave credits to Abhay sir. That was a really great example. If sir is listening right now, that really helped me a lot. अच्छा वो भाई रोहित सर भी देख रहे होंगे, थोड़ा उनके टूंके की आते हैं।
हाँ मतलब रोहित सर से तो कभी इफ यू गाइस एवर गेट अ चांस उससे उनसे पूछ लेना लाइक मोह माया के पीछे के सारे उनका और माया का रिलेशन एंड हाँ हाँ भाई ये तो बता दो कल कल मेंटी में बोलो कि माया उनका और माया का रिलेशन हाँ सो इफ यू गोइंग टू इंटरेक्ट विद रोहित सर एनी टाइम जस्ट आस्क उनका और लाइक माया का क्या किस्सा है सो दैट्स अ रियली गुड स्टोरी दैट अरे रोहित सर पे तो गिर सकते सही याद दिलाया तुमने एक बार याद दिला उनको है ना क्या बोला AIR does not matter. I mean, ठीक है बहुत cliche dialogue है but मुझे पता है मैं बता रही हूँ मेरी roommate यहाँ पे मुझे मेरी roommate का rank नहीं पता है और तुम एक random इंसान random senior तुम्हारे पास है तुम उसका rank जान के मेरी roommate यहाँ पे है comment section में I can see her मेरे teammates यहाँ पे है like they're really close friends मुझे उनका rank नहीं मालूम अपने close लोगों का तो rank मालूम होता है ना I'm just a random person for you guys. मेरा rank जान के तुम क्या कर लोगे? नहीं इनको बता तो दो ये तो सोचेंगे कि पीछे के तो तुम बता ही दो हाँ so my rank was 4572 मेरी नजर में तो ये ना अपने आप में अगेन रैंक डज नॉट मैटर बिकॉज मेरा 18,000 भी रहा है मेरा 4,572 भी रहा है बहुत 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 बड़े-बड़े जंप्स आए इसके रैंक में सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम में जो रैंक आया डज नॉट डिफाइन अगेन सेड दैट वन एग्जाम डज नॉट डिफाइन यू यू नो वेदर इट्स योर रैंक और नॉट यू नो वेयर यू स्टैंड यू हैव टू कंपीट विद योरसेल्फ दैट्स इट आई न्यू कि 18,000 वाज नॉट माय रैंक इट वाज नॉट मी That was in mains, right? Yeah, so मेरा JEE mains one was 18,000 something. वो बहुत बड़ा jump था ना. My mains two was 8,000 something. Second one. And my advanced was 4,572. But फिर से ही नहीं है समझाओ कि ना मतलब पहले बात तो कि rank matter नहीं करता बाकी आगे जा करके but एक time पे शुरू में ऐसा branch selection के लिए. Why does rank not matter? I mean this is what I was saying कि don't lose yourself. This is the problem faced by majority of IITians. Why I'm saying IITians because मतलब वो मेरा personal experience है. So मैं ऐसे कुछ नहीं बोलती हूँ. What's my experience उतना ही बोल रही हूँ. You get so saturated. इतना पढ़ के यहाँ आके you legit. I mean तुम तंग आ जाओगे. नहीं motivation बचेगा. There does exist a saturation level. You cannot study for eternity. So it's in your hands कि वो saturation level कितना जल्दी लाना है तुम्हें. अगर तुम अपने आप को अभी से इतना मतलब बंद कर लोगे कमरों में और तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है 10th तक हो तो दीज आर योर फॉर्मेटिव इयर्स अब सोचो तुम्हारा एग्जाम हुआ तुम्हारा रैंक आ गया यू गॉट सिलेक्टेड उसके बाद क्या करना है तुमने कभी सोचा है किसी ने 10th एंड 12th की परसेंटेज बोली है जरा उस पे बात से चलो ओके 12th अगेन सो दैट एज आई सेड बोर्ड्स के एग्जाम्स आर जस्ट अ सबसेट सो माय बोर्ड्स परसेंटेज वाज 97.4 एंड फिर से Yeah, it you was 97.4 and I did not attend dummy schools, so I was a regular 97.4 student. Topper of the school, na? Yeah, I was the topper of one of the prestigious schools here in Tri-City. Bata do, Chandigarh ka kaun sa school hai? Yeah, I was a part of St. Anne's Convent School and it was... Guys, please, ispe toh hearts banne chahiye, yaar. In my school... Pehle dekho, aap humbleness dekho, aap socho, कि एक्चुअली आईटीएन होने का ये मतलब होता है ना देखो आईटीएन होने का ये मतलब नहीं होता ऑल इंडिया रैंक आईटीएन होने का मतलब होता है कि आप ना एक सचमुच में जब आपसे ना आप लोगों के सामने खड़े होगे ना भीड़ के सामने खड़े होगे तो आप ना इंस्पायर कर सकते हो उनको आपकी सोच का लेवल इतना अच्छा हो जाता आप इतने मेहनती इंसान होते तो आप देखो कितनी अच्छी बातें इसने बताई है यार पहले ये इसने समझाया आपको कि देखो ऑल इंडिया रैंक ना बाद में आपको मैटर नहीं करते इसे खुद अपने रूममेट की रैंक नहीं पता है नहीं पता और रूममेट उसकी लाइफ भी है और रैंक नहीं पता है सोचे उन्होंने कभी डिस्कस नहीं की उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी कॉलेज में जाने के बाद वो जस्ट के एक है एक सिस्टम बना हुआ है कि आपको ना रैंक मिलेगा बट ना आप उससे ऐसा कुछ मत करो कि आप अपने आप को खो दो रैंक बनाने के चक्कर में ऐसा नहीं करना समझ रहे हो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बात को समझना है ठीक है और फिर इसने अपनी रैंक भी बताई क्योंकि फिर पता नहीं कि आप तो ना समझ लोग हो बहुत सारे हो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं तो इसने बता भी दिया बट पहले मैसेज क्लियर किया जो एक्चुअली आईटीएन होने का मतलब है देखो आप बॉडी लैंग्वेज बातों से आप समझते हो कि इंसान की पर्सनालिटी कितनी अच्छी हो जाती है किसी एलिट कॉलेज में जाकर के मेहनत करने से इनफैक्ट मेहनत करके वो एलिट कॉलेज में एलिट कॉलेज तो इनकी वजह से बना है ना सो
मैं ये बता रहा था कि इन थॉट्स को ना समझो, समझो जो आपको बताने की कोशिश की जा रही है, इन बातों को समझोगे तभी आपको ना ये एग्जाम्स का ना प्रेशर नहीं आएगा। और फिर बोर्ड के परसेंटेज भी इसने बताए तो आप बहुत अच्छी बातें इससे सीख सकते हो। और कभी इनको बताना कि कैसे आपने बोर्ड का प्रेशर कैसे फेस किया और स्कूल टॉपर भी रही है। या प्रेशर पे आई गॉट अ रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई मीन एंड आई डोंट फील सैड अबाउट इट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इतने सारे रैंक्स बताए उसमें से बहुत खराब भी थे और बहुत अच्छे भी थे। इफ यू आस्क मी व्हाट वाज द बेस्ट वन फॉर मी, आई लव द रैंक्स व्हिच वर वेरी लो बिकॉज़ दे एक्चुअली टॉट मी अ लॉट इन लाइफ। एंड अगेन योर रैंक डज नॉट, मतलब मैंने बोला मुझे नहीं पता मेरे दोस्तों के रैंक्स क्या हैं बिकॉज़ दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज हाउ यू आर एज अ पर्सन, what have you developed in all these formative years, what your personality is, and that says a lot about you. Like, your only unique selling point is your personality and how you are as a person. You might be in All India rank 1, but still people might hate you if you're not good as a, like, if you're not down to earth. People will hate you if you're not down to earth or, I mean, what we know about everyone in ITB is how their personality is, not what their rank is. So, your personality pays a lot. And throughout JE, I was not, I mean, a regular, aisa kya matlab, he knows my story, matlab mera JE story kitna alag hai. So, matlab, tum log abhi se prepare kar rahe ho. Iski na special JE story par baat karenge alag se. Aur main chahta hoon ki ye na aapse na chuke school topper bhi rahi hai, board topper bhi rahi hai, to yaar इससे ना आप ना कभी आप, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग चैट बॉक्स में कमेंट डालो कि दीदी प्लीज टेक स्पेशल सेशन फॉर जो क्लास टेंथ वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए सेशन मांगो, इससे कभी टाइम मांगो। आईटीएंस का टाइम बहुत महंगा होता है, आईटीएंस का टाइम बहुत महंगा होता है। सो मैं चाहता हूँ चैट बॉक्स में फ्लो हो जाना चाहिए, दीदी एक सेशन लो बोर्ड एग्जाम के लिए, आप रिक्वेस्ट करोगे, मैं नहीं करना। देखो मैंने तो आपको बताया क्या कि ये अपनी क्विजेस कर रही थी, इसकी सॉल्विंग चल रही थी, अपना जो सेशन चल रहा था और वो सुबह 4 बजे तक जागी हुई थी और उसके बावजूद ही आई है यहाँ पर। सो मैं चाहता हूँ कि क्लास टेंथ वाले जोश दिखाओ, मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से आना चाहिए कि हाँ प्लीज एक सेशन लो बोर्ड पर। एंड मतलब ऐसा मेरे को सब कुछ अच्छा अच्छा तो नहीं लगा होगा कि मैंने लाइफ में ये ले लिया, लाइफ में ये ले लिया, आई माइट बी मिसिंग थिंग्स कि मैंने ये नहीं किया। एंड वन ऑफ द थिंग्स आई रिग्रेट द मोस्ट इज मुझे थोड़ी शरारतें कर लेनी चाहिए। एंड दैट्स ट्रू, मतलब आई लेट इट से टू माय पेरेंट्स कि मैं बहुत इनोसेंट सी बच्ची थी, पीपल यूज टू प्रेज मी अ लॉट, तो मुझे लगता था ये अच्छा है, बट यू नो थोड़ी सी रातें कर लेनी चाहिए बिकॉज अभी जाके मन करता है, यू कैन नॉट डू दैट, सो यू हैव टाइम। मुझे लगता है कि ना थोड़ा सेशन जो है थोड़ा सा, मतलब इनके पास ना बच्चों के पास थोड़ा लेट से जा रही है हमारी ये रिकॉर्डिंग, अब फ्लो आया कि दीदी प्लीज टेक द सेशन। सो अगर टाइम निकले प्रकृति तो अपने बोर्ड एग्जाम, मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा यूनिक है, हमने देखा बहुत क्लोजली, बहुत टफ टाइम था तुम्हारे लिए वो, मेंटली भी और इवन के मेरे लिए भी था, मैं भी उस टाइम में बड़ा अजीब सी सिचुएशन में था, करेंगे इस पर डिस्कस। उसके बावजूद तुमने खुद को बचाए रखा, उसके लिए हैट्स ऑफ, मतलब बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पर्सन मैंने ऐसे देखे हैं। और मैं बता नहीं सकता कि जो खुशी आई थी ना जान करके कि स्कूल टॉपर ही बनी है, क्योंकि बहुत अजीब सिचुएशन थी जिसमें कि ना जो तुमने फेस किया था वो, लेकिन ना कितना अच्छा लगता है जैसे कि ना हम मतलब जो प्रिपरेशन, is what matters. Yes. Final day pe kya performance, it does not matter. Whatever yes. I learned throughout these years, that honey water thing is still with me. Matlab, abhi bhi main band kar deti hu, toh mama mere ko ek coaching ho gaya. I went to college, itna hectic life tha, I forgot taking honey water, etc. I came back in vacations, my mama was like, I'm not taking honey water. And she legit told me that I'll call up Mohit sir if you don't take honey water. And that was 1 year after leaving coaching industry. So awesome, so beautiful. Your journey actually plays a lot, I mean, a huge role in your personality or whatever you call it. So, and मैं बहुत अच्छे, ठीक है, this I'll reveal in my next secret. And अच्छा guys ये बताओ कितनी देर से बहुत ना बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं ऐसी motivational, मतलब के अच्छा लगा ना, जल्दी chat box में खटाखट comment करो यार, है ना। अब फिर क्या करते हैं, होगी बातें, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ और बातें भी कर लेते हैं, है ना। सो फटाफट भाई गाइस, कैसा लगा, अमेजिंग दैट, है ना, हैट्स ऑफ फॉर प्रकृति, हैट्स ऑफ फॉर प्रकृति, थम्स अप लाइक्स फॉर प्रकृति यार, प्लीज बहुत मेहनत की है ये रात 4 बजे तक क्विजेस कर, आई वुड से स्टे ट्यून्ड। तो पता है क्या, मुझे जो आया था ध्यान के वो बता, एड्रेस बता एग्जैक्टली, और तेरा रिप्लाई भी आ गया था। हां मतलब मैं रात को तक ही रहती हूं भाई, तो मुझे तभी से लग गया था ऐसा है।
तो फिर तो वही बात होगी ना कि आप जो नहीं मुझे इंटरेस्ट आपको रोस्ट करने में आता है तो और कब से रोस्टिंग नहीं हो रही है मैं कुछ बोलने जा रही हूँ तो और यार लाइक्स बढ़ा दो जल्दी से 300 पे नेक्स्ट रोस्ट सारे उनके छोड़ो उन्हें वो लाइक्स बढ़ाए ना बढ़ाए तुम अपनी तरफ से तुमको तुम्हें मैं तो ये देखना चाहता क्या है सर रोस्टिंग में जो तुम जो है लाने वालों में से तो ये जानना है तुम स्लाइड में डाला है क्या ये पकड़ो हां मतलब अच्छा ठीक है सो मैं चेंज कर रहा हूं समथिंग इंटरेस्टिंग वेयर यू मुझे ऐसे टॉपर के नाम से तुम बुला रहे होंगे बट ठीक है देयर आर पॉइंट्स वेयर आई एक्चुअली काइंड ऑफ फेल्ड आई मीन फेल इज समथिंग व्हेन यू डोंट लाइक तुम्हारा पर्सनल सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता आई डिफाइन इट एज अ फेलियर एंड आई हैव फेल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड देयर इज अ रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी रिलेटेड टू माय वन ऑफ माय फेलियर्स सो वो सुनना है तो प्लीज स्टे ट्यून्ड ये फोटो कहाँ की है या दिस फोटो आई मीन आई हेट मोहित सर फॉर दिस इन्होंने कल मुझसे फोटोज मांगे and I had to scroll back into my gallery and इतने सारे photos तुमने photos भेजे थे वो मैंने tech team को दे दिए कि भाई arrange करो फिर मैंने आज सुबह देखे कि अच्छा ये सब चीजें arrange नहीं मिला उसने इसके साथ क्या किया I don't care but he made me look into my gallery again and I'm really missing my campus a lot so this is a picture of me at Chandigarh airport and I was just leaving for the institute after my first vacation so this is the last time I went to Bombay so now I'm just dying to go again So yeah, that was really nostalgic for me. Now a secret about me. अभी तुमने देखा होगा I'm motivating you a lot. तो तुम्हें लगा होगा मेरे को तो इतना सारे tips पता है. So I must be following them. So मुझे motivate करना बहुत अच्छी तरह से आता है. And that does not mean कि जिसको मैं motivate करती हूँ उनका कोई फायदा नहीं होता. तो तुम्हारा फायदा हो जाता है. मेरा फायदा मैं कभी नहीं कर पाई. जितना मैंने तुम्हें समझाया तुम्हारी हेल्प कर दूंगी आई कैन नॉट हेल्प माई सेल्फ तो जितना भी मैं बोल रही हूँ इसमें से आधी चीजें मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई देखो मेरी बहन जो है वो बहुत प्यारी है बहुत मेहनत की है इसने और ये बहुत अच्छी बात इसने बोली कि भाई आपको तो समझा रही है ये है ना मेरी बहन तो भाई आईटी बॉम्बे में स्टूडेंट भी और टीचर भी है जैसा कि अगर कुछ लोग अभी ज्वाइन किए हैं तो उनको एक बार फिर से बता दूं है ना शी इज टीचिंग असिस्टेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना और भाई केमिस्ट्री में तो क्या तोड़फोड़ मचाई हुई थी इसने इंस्टीट्यूट में क्या तोड़फोड़ मचाई हुई थी ओहो बात करेंगे उस पर कभी बहुत जबरदस्त काम किया थे कितने सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े नोट्स मंगाए थे मैंने से कितने अच्छे से अच्छे अच्छे नोट्स जो है रखे हुए अपने पास बहुत मेहनत की इसने और जैसा आपको बताया आप लोगों को सिर्फ डिस्कस भी किया कि भाई बोर्ड का एक सेशन जरूर इससे लगवाना है टॉपर द बोर्ड 97.4% स्कूल टॉपर बहुत इसका नाम हुआ था जब मतलब कि वैसे तो हम तो नाम लेते हैं मोस्टली किसके लिए तो जे आई टी बॉम्बे के लिए बट अभी हमारे डिस्कशन में सामने वो बात भी याद आएगी यार ये तो स्कूल बोर्ड के बारे में पूछा था हम तो बातें हम चाहते थे कि यहाँ पर वो बेसिक थीम पर बातें हो कि भाई आपने ना मतलब रैंक्स वगैरह को ना अगर आपने वैसा सोच करके रखा है कि ये लाइफ डिसाइडिंग चीज है तो नहीं है तो बहुत छोटे हो अभी तो आप अगर अभी से ऐसे सोचोगे तो बाद में बहुत रिग्रेट होता है कि लाइफ का जैसे तुमने रिग्रेट दिखाया कि यार मैं थोड़ी मस्ती और कर ली बहुत बड़ा रिग्रेट है आई मीन दिस इज द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माय लाइफ दैट आई शुड नॉट हैव बीन एज इनोसेंट एज अ किड आई वाज सो एंड मतलब यार थोड़ा बहुत मस्ती चलता है अगेन आई सेड ऑल दिस लीड्स टू सैचुरेशन एंड एक पॉइंट पे सैचुरेशन आता है Nothing is ideal, nothing is perfect in your life and तुम ऐसे perfect student image बना के चलोगे कब तक perfect image maintain कर लोगे I real world mein it's not possible to be perfect and there will come a saturation point where you will regret these days so enjoy them study books study novels like go play do whatever I mean okay do start padhai karo but don't lose yourself because tumhara rank kuch bhi aaye tumhari personality matters to apni personality develop karna bahut zaruri hai so just know what you like and matlab apne aap ko khush rakho that's it And this is a message if any parent is watching this or any elder is watching this and this is one thing I really want to say like branch does not matter tumhare bacche ka koi bhi rank hai even if he's got rank 1 does not mean usko jaake IIT Bombay mein CS lena hai kuch logon ne na abhi join kiya hai SM ke chat box se lag raha hai to na log abhi live stream mein na actually join karte rehte hain
तो लाइव स्ट्रीम में जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, रैंक वगैरह से रिलेटेड ना बातें हो चुकी हैं पहले, सो यार फिर से रिपीट करना ना उन सब बातों को, बहुत बोरिंग हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, तो वीडियो को रिवाइंड करके ना फिर से देख लेना, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसने बताई रैंक से रिलेटेड। बट दिस इज अ मैसेज आई वांट टू गिव टू ऑल द पेरेंट्स, आई मीन बाकी बातें कवर हो ना हो, बट प्लीज डोंट फोर्स योर किड टू टेक एनी ब्रांच। आई मीन उसकी लाइफ है, उसको करना है, अगर वो खुश रह के नहीं कर पाएगा सो देयर इज नो पॉइंट। नहीं आएगा परफॉर्मेंस, आई विल टेल यू, मतलब सीक्रेट पूछा था ना, तो मेरा सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू, अभी मेरा थर्ड सेमेस्टर खत्म हुआ, सेमेस्टर वन में आई वाज अ रियली सीरियस किड, सब लोग आते ऐसे पढ़ पढ़ के तुम पढ़ाकू कीड़े होते हो और तुम्हें लगता है कि मतलब सब कुछ पढ़ना है, कौन सा रेफरेंस बुक, तुम लाइब्रेरी में बैठोगे बहुत कुछ करोगे, सून यू रियलाइज मतलब बहुत कुछ हो जाएगा, तुम्हारा सैचुरेशन आ जाएगा। इतना पढ़ने के बाद भी जो मेरा परफॉर्मेंस था, दैट कैन नॉट बीट माई परफॉर्मेंस जो मैंने सेकेंड सेम में चिल मार के किया। आई मीन सो जस्ट बैलेंस आउट एवरीथिंग, पढ़ पढ़ के नंबर नहीं आते, यू हैव टू कीप योर मेंटल कूल, यू हैव टू कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड देन यू सी योर रिजल्ट। आई मीन जिनके एग्जाम्स अभी एक हफ्ते के बाद एनटीएससी, या सो जिनका एक हफ्ते बाद अभी एनटीएससी है, जस्ट कीप योर सेल्फ कूल, डोंट, तुमने इतना मेहनत करके यहाँ तक आयो, एक हफ्ते तक अपना प्लीज अपना मेंटल पीस बचा के रखो, टेंशन मत लो, यू हैव डन, मतलब तुमने काफी मेहनत की है एंड दैट विल पे ऑफ, सो जस्ट डोंट वरी। एंड देयर इज जस्ट, अगर तुमने, मैंने इतना मेहनत किया सो मेरे को बस एक, ठीक है, गुरु दक्षिणा दे दो, एग्जाम से एक दिन पहले प्लीज बुक्स बंद कर देना, कोई मूवी देख लेना या डू व्हाटएवर। एग्जाम से एक दिन पहले सैटरडे को ना स्पेशली आपको बता दूं कि सैटरडे को एनटीएससी जितने लोगों का है भाई, सैटरडे को पढ़ाई नहीं करनी है, सैटरडे को हमने टीचर्स ने एक शो रखा हुआ है ना, आपकी एंगेजमेंट हमारे साथ होनी है। अब और एग्जाम से एक दिन पहले क्या होना चाहिए उस पर, वो फर्स्ट स्टोरी और वो स्टोरी का रोस्ट था भाई जो इसने रखा था, उसे भी बैक जाकर के वीडियो में जरूर सुनना। चलो फटाफट ना कुछ बातें, मतलब यार मैं eagerly वेट कर रहा हूँ कि कुछ आईटी बॉम्बे वाली कुछ फोटोस वो जाएगा। अच्छा ये एक बार मैसेज है तो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया होगा कि Among Us क्यों रखा है इसका नाम। So Among Us is basically, अगर had it been like COVID नहीं होता, तुम्हारे ऑफलाइन क्लासेस हो रहे होते, as I said, सिर्फ पढ़ाई नहीं होता, so sir and I used to play badminton in between classes. And मतलब ऐसा काफी सारे मेरे सीनियर्स है जो क्रिकेट खेला करते थे, लाइक पूरा 1 hour, I mean 1 hour in a day cricket. So but that serves a great deal, it refreshes your mind. तुम 18 घंटे पढ़ो but 4 घंटे अच्छे से पढ़ो, 4 घंटे अच्छे से पढ़ना इज मच बेटर देन 18 घंटे से आलस में बैठ के पढ़ते रहो। अच्छा कोई पूछ रहा है, टेल अस अबाउट एनटीएससी, तुम बता दो तुम्हारे आने का पर्पस यहां पर, एनटीएससी से क्या क्या बातें रिलेट करनी थी, बैक वीडियो में तुमने कर दिया है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको कंफ्यूजन हो रहा है, बट ना बीच हर कुछ देर पे तुम जान लो लाइव स्ट्रीम में नए लोग आते हैं ना तो ये क्वेश्चन रिपीट। सो दिस इज जस्ट अ स्ट्रेस बस्टर सेशन फॉर यू गाइस, तुम्हारा एक हफ्ते में आई थिंक काफी लोगों का एग्जाम भी है एंड बेसिकली आई डोंट वांट यू गाइस टू डू सम मिस्टेक्स जो बहुत लोग करते हैं, मैंने भी किए थे, हैड सर नॉट प्लेड अ प्रैंक ऑन मी मैं भी कर देती, I was pissed off, मतलब prank के लिए, but ठीक है, that helped me a lot, and thanks to that मेरी Harry Potter series cover हो गई, and at least मैं इतना nerdy नहीं हूँ कि अब मैंने movies ना देखी हो, thanks to him. NTSC related बातें हो चुकी हैं, अब ना हम जो है कुछ यार कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे और उसके बाद फिर सेशन को खत्म करेंगे, और मुझे तो लग रहा है कि तेरे लाइक्स 250-300 शायद पहुंच सकते हैं, तेरा सपना पूरा हो सकता है शायद रोस्टिंग का, या अगर मान लो कि ना नहीं होता वैसे तो गाइस कर दो। मैं बोल रहा था बार बार के प्रगति से आपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी जो आप सेशन एक मांगो यार, और इसने बहुत मेहनत की यहाँ पर आने के लिए, मतलब बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है, तो यार प्लीज लाइक्स तो बनते हैं अच्छे और हार्ट्स तो आप बिल्कुल भी मत रोको प्लीज, और चलो हम अपना आगे का काम करते हैं, कुछ अच्छी चीजें होंगी और वो मुझे याद आ रहा है कुछ अच्छे फोटोज होंगे आईटी बॉम्बे में। अब ओ अच्छा ये क्वेश्चन रखे, ये क्या मतलब मैंने मतलब देखो मैंने तो प्लानिंग की थी कि जरा चेक करेंगे कि इसे पहले की कुछ बातें याद है कि नहीं, तो ये क्वेश्चन जो है वो पहले के हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो कुछ तुम बता पाओगे। देखो तो दो तीन क्वेश्चन मैंने रखे हुए केमिस्ट्री के, है इसे याद या नहीं याद, ये काफी गलत बात था, मतलब ये अगेन चीटिंग है, मेरे को फन सेशन के लिए बुलाया, मेरे सामने क्वेश्चन रख दिया है। नहीं हम देखना चाह रहे चीजें है याद नहीं, वैसे तो ये बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन मुझे लगता है, तुम एक बना दो बिल्कुल। So beaker is completely filled with water at 4 degrees Celsius, okay, now 4 degrees Celsius has always been an interesting number, कुछ तो density related होता है, yeah, density of water is maximum at 4 degrees Celsius, and consider the following statement, so water will overflow if the beaker is cooled,
आप तो बता ही दोगे, तो आप उधर मत देखना, वो आप लोग आंसर लिखना गाइस, है ना। देखिए प्रगति के आंसर जो है वो सही आते कि नहीं आते, या मतलब अगर वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम है, अब तुम हीट करो कूल करो दोनों ही जगह, डेंसिटी विल फॉल, तो डेंसिटी फॉल करेगी तो वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी कम हो जाएगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो चाहे हीट करो चाहे कूल करो वाटर विल ओवरफ्लो। सो आई थिंक बोथ ऑप्शंस 1 एंड 2 आर करेक्ट, व्हिच इज सी पार्ट। आई मीन दिस इज माय आंसर। अच्छा इसका आंसर सुन के तो नहीं लिख रहे हो ना तुम लोग सब, तुम लोगों से पहले आंसर मांगा था मैंने यार। उल्टा ही हो रहा है, इसने आंसर पहले दे दिया और आप लोग ये आंसर लेट से दे रहे हो। बट थम्स अप यार, बिल्कुल सही आंसर है। ऑब्वियसली डेंसिटी अगर आप जो है वो चेंज करोगे, वॉल्यूम कम ही हो जाता 4 डिग्री सेल्सियस से हट करके, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ओहो एक और क्वेश्चन है, यस यस, इसका आंसर तो आप लोग पहले दे दो, प्रगति से पहले आपके आंसर आ जाने चाहिए। ये क्या चल रहा है, मतलब कितने क्वेश्चंस रखे हैं। ओके सो P3 माइनस हैज अ लार्जर रेडियस देन एटम ऑफ P। ओके सो P है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, अब ज्यादा इतना नेगेटिव चार्ज हो गया तो नेगेटिविटी फैल जाएगी, लोग लड़ने लगेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स लड़ेंगे तो रिपल्शन होगी, अब देयर इज ग्रेटर कूलम्बिक अट्रैक्शन तो नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, झगड़े हो गए, कोर इलेक्ट्रॉन्स एंड P3 माइनस एक्सर्ट अ वीकर शील्डिंग फोर्स। नहीं पूछ ले क्या, अरे सही है डी वाला, वहां भी अच्छा कि तुमने वहां नहीं देखा, वहां भी तो वहां भी आंसर निकाल लिया सब। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि जान जान के गलत आंसर डाल रहे हो, मुझे गलत नहीं, कुछ आ रहे हैं कुछ गलत आंसर्स तो हैं। हां तो ठीक है, कुछ आंसर्स तो है गलत, बट अच्छा जल्दी हटाओ। ओके ओके ओके, एक और रखा था मैंने, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला, बट हटाओ बड़ा वाले, जान दो इसे छोड़ो, प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर बढ़ाओ, अपने के स्ट्रक्चर रखने दे। अच्छा ओ हो, दिस वन गाइस, अब थोड़ा सा ना सेशन को एकदम लाइट बना दिया जाए, सारी अच्छी मतलब के इसे जो भी बातें बोलनी थी वो तो चुकी, अब मुझे कुछ आईटी बॉम्बे के राज भी जानने हैं। जो आईटी में पढ़ रहे स्टूडेंट होते हैं उन्हें कुछ साइंस फिक्शन मूवीज का कितना आइडिया है कितना नहीं आइडिया है, और खैर इससे तो यहाँ पर जो क्विजेस उससे अंदाज नहीं लग सकता, बट प्रगति ने कितने साइंस फिक्शन मूवीज देखे हैं, सीरीज कौन सी देखी, नेटफ्लिक्स वगैरह कितना बिंज वॉच किया है। हां मतलब उसी पे हमारी आदि फेवरेट सीरीज बताई, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन पूछते हैं मूवी से रिलेटेड, और आपके आंसर्स और प्रकृति के आंसर मुझे देखना है भाई कि कितने सही आंसर आपकी तरफ से आ रहे हैं। हां जरा ये तो देख ले, मुझे क्या लगता है ये तुमसे ज्यादा अच्छा आंसर दे देंगे क्या। हां मतलब कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, मतलब अगर मेरा फेवरेट सीरीज पूछा है लाइक मनी हाइस्ट, मतलब हॉरी टाइम फॉर द सीजन 5 गाइस जानते हो कुछ। हां सो आई डोंट नो तुम लोगों ने देखा है कि नहीं, और तुम लोग अगर दिमाग लगाना बहुत ही पसंद है, मनी हाइस्ट में भी बहुत ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट रहता है, बट या मनी हाइस्ट आई रियली लाइक्ड इट एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर सीजन 5। शेरलॉक होम्स वगैरह देख रहे हैं, आई मीन जब कोविड हुआ था तब सीजन 4 आया था, सीजन 5 आने वाला है, इतना टाइम हो गया किसका। हां जब मैं कोविड से आई थी तो सीजन 4 रिलीज हुआ था। कौन सी मूवी से ये स्टिल लिया गया कुछ है तो मैं इस पे हिंट कर सकता हूं। या आई मीन तो नहीं याद किसी को है, कौन सी मूवी का स्टिल पूछो अब। सो गाइस आई डोंट नो, मतलब प्लीज हेल्प मी आंसर दिस क्वेश्चन, व्हिच मूवी सीन इज इट, आई डोंट रिमेम्बर। पॉटरहेड नहीं, लोग थोड़ा डिले होता है उसमें। You don't know, guys. Please help me out. हार जाएंगे तुम। चलो, first वाला थोड़ा मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा tough है. Actually, ये बहुत ही hint दो ना पहले. अच्छा hint दे दो. जल्दी दो. ये actually ये actor Russell Crowe है और इसने John Nash का role किया जिसको Nobel मिला हुआ है. एक बहुत ही अच्छे mathematical equation पर तो ये movie बनी थी. और अच्छा एक सी theory of everything. Theory of everything है क्या? नहीं है ना. मतलब ठीक है, सॉरी, वैसे बहुत अच्छी मूवी है, सजेस्ट करूंगा मैं कि आप जो कभी भी टाइम मिले तो देखो, अ ब्यूटीफुल माइंड नाम से मूवी। अच्छा मैंने
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, नेटफ्लिक्स सीरीज किसी को है पता? हाँ वो देखो, तो भी अच्छा तो लेट से लिख रहे हो। लूसिफर तो क्या ठीक है, ये तो श्योर पता चलने वाला, नहीं पता यार कहाँ से उठाएंगे ये सारी सीरीज, ये बता देंगे, ये पक्का बताएंगे, ये एक आंसर आ चुका है। ये कौन से मूवी का, ये एक्टर पहचानना, ये मूवी से स्टिल लिया गया, तो ये बहुत ही मतलब एक सीरीज है साइंस फिक्शन मूवी की, तो मुझे लगता है कि आप पहचान जाओगे इसे, बड़ा बड़ा फेमस विलेन है ये। हो आया, एक सही आंसर आया, जरा पहचाना। बाहुबली, मैग्नेटो, 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 एक्समैन, एक्समैन, एक्समैन सीरीज से बोल दे, एक्समैन सीरीज, एक्समैन सीरीज से। और ये हीरो कहाँ से है, ये कौन सी मूवी से, ये कब हुआ, ये कहाँ पहुंच गए आप, ये कौन से मूवी का हीरो है गाइस, और ये कौन सी लोकेशन है बताओ जरा। अच्छा लोग अभी भी ना, फिर देखो लाइव स्ट्रीम में जो लोग नए जुड़ रहे हैं ना, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या या ब्रांच किया, और ब्रांच का डिस्कशन, रैंक का डिस्कशन, एनटीएस रिलेटेड डिस्कशन हो गया गाइस। अब हम थोड़ा चिल कर रहे हैं, थोड़ा आईटी बॉम्बे के अंदर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि यार क्या आईटी बॉम्बे के अंदर, ओहो एक्चुअली पकड़ लिया किसी ने, समझ गए बोलो कि आईटी का ये स्टील है। अच्छा एक्टर तो पहचान रहे हो ना, अरे इसका लाइक एक्टर तो पहचान रहे हो ना, इस जगह का नाम इज रियली कूल, आई मीन वन ऑफ मेरे बिल्कुल स्टार्टिंग के डेज ऑफ आईआईटी द कूलेस्ट नेम आई हर्ड ऑफ अ प्लेस वाज दिस, मतलब किसी को पता है कि इसका नाम, इस जगह को कुछ बोलते हैं हम, एंड दैट्स रियली कूल, आई मीन आई फाइंड इट कूल, द समवन नो व्हाट दिस एरिया इज कॉल्ड, आई मीन डू लाइक या लाइक ओके दिस इज चीटिंग यार, आई थॉट वी आर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, ओके समवन फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे रिप्लाइड, बट ठीक है IIT Bombay corridor, but it's called Infinity corridor, and in our Insta lingo we call it Infi corridor. So Infi. Because it just extends to infinity. Yeah. और ये building बड़ी खूबसूरत सी building कहाँ की, जल्दी फटाफट। ऐसे रुला दोगे मुझे session के बीच में? तेरा ही hostel ना? मेरा ही hostel दिखा रहा है मुझे। ओह क्या खूबसूरत लग रहा है। और ये जिम कहाँ पाया जाता है, ये भी आईटी का है, बड़ा प्यारा। अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था ये जिम यार, मुझे तो एक्सरसाइज करना, मैंने आईटी दिल्ली में किया, आईटी हां बोलो। आपका और जिम का रिलेशन? मेरा और जिम का रिलेशन क्या बताऊं, ओके सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है, और साथ में ये भी बताना, सपोज आप एक लाइफ गार्ड हो, मतलब ऐसे मरीन कोस्ट पे, ठीक है, मैं समझ रहा हूं, ठीक है, आप लाइफ गार्ड हो, तीन लोग डूब रहे हैं, एक का नाम है खाना, एक का नाम है नींद, और तीसरे का नाम है एक्सरसाइज, किसको बचाओगे? ये यार ये तो ऐतिहासिक क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन ऑफ द क्या बोले डिकेड हो गया भाई, मैं तो नींद को बचाऊंगा सब कुछ छोड़ के, ओ वो बढ़िया था, ये बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू पूछने के लिए। ओ ये बढ़िया आया यार, ये तो मजेदार है, ये देखो तो बिल्कुल सही बनाया ना, ये तो लगता है क्लासरूम वाला ना, ये मतलब हमारी
अभी सर को रोस्ट करेंगे, सर को रोस्ट करेंगे. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड विच स्टार्टेड विद अ सरप्राइज. सर केम टू आईआईटी बॉम्बे. इट वाज अ सरप्राइज, मतलब मुझे रूम के बाहर बुलाया गया बोल के कि पता नहीं कुछ हो गया. एंड दिस इज द बीविंग, किसी बाहर बुलाया मुझे. या सो रितिका दी कॉल्ड मी कि जल्दी से बीविंग के सामने आ जाओ. एंड आई गॉट रियली स्केयर्ड कि क्या हो गया. एंड आई केम डाउनस्टेयर्स. यू नो ये तो सीनियर थी, तुम दोनों सेम बैच के. या सो दिस इज माय फ्रेंड मालविका, जिसको आई थिंक केवीपीवाई के टाइम पे ये भी फंस गई थी. एंड अच्छा वो जो तुमने बताया था उस दिन जो हुआ था. हाँ मतलब हमारे ग्रुप में ही थी ये. अच्छा. तो या सो इट स्टार्टेड विद एन सरप्राइज इन द आफ्टरनून. सर केम टू मीट अस एंड दैट वाज रियली ग्रेट. आई मीन तो सर काफी ये यार ये चिलीज बड़ा पसंद था. हमने सर को बहुत लूटा था. ये फोटो ना बड़ी होनी चाहिए यार. हमने सर को बहुत बड़े बिल बनवाए थे इन्होंने ऐसे से. मतलब क्या ना कि मैं थोड़ा यार ठीक है, खुशी तो बहुत मिली थी इन लोगों के साथ मिला था. मैं हीरा नंदानी घूमा था और जो है वो ये बड़े प्यारे लोकेशंस थे. हीरा नंदानी पहली बार मैं घूमा था, बहुत अच्छा लगा था. लेकिन यार बहुत खर्चे भी करवा दिए थे इन्होंने, बड़े बिल बनवाए. तो अभी जो अब ठीक है एक तरह से, अच्छा है कोविड नहीं तो फिर मुझे दोबारा लूट जाता ना. या सो देन क्राउड सीम लेस, यू नो कितने कम लोग हैं. सर का और बिल बढ़वाना था हमें, तो हमने और लोग बुला लिए बिल बढ़वाने के लिए. सो दीज आर ये फोटो यार. अरे देयर्स अ क्विक क्वेश्चन बाय चांस, इसमें से कोई देयर्स सम ऑफ देम यू माइट नो. मतलब कैन यू रिकॉग्नाइज एनीवन ऑफ दीज फेसेस. बहुत लेजेंडरी फोटो है, काफी मतलब बहुत ही लेजेंडरी फोटो है ये तो भाई. मतलब इसमें काफी लोग हैं, तो जस्ट गेस इफ यू कैन गेस एनी वन ऑफ देम. मतलब एक्सेप्ट मी एंड मोहित सर, कैन यू गेस एनी वन ऑफ देम. आई मीन मेरी तरफ से इफ दैट पर्सन मीट्स मी देयर इज अ चॉकलेट फॉर यू. चॉकलेट क्वेश्चन या यू आर रियली क्लोज एंड व्हाट द नेम. सही या संभव शर्मा इज रियली क्लोज. कुड यू प्लीज टेल द नेम ऑफ दैट पर्सन नाउ. Okay guys, I mean, yes, I mean that Ankita Pradhan guessed it. So we have Sarvesh here and we have Akash here. And yeah, Akash was my mentor during my JE and hats off to ये सारे मतलब इसमें तो क्या बोलूं कि ये सारे लोग जो सारे ये टॉप रैंकर सब एक साथ ही है. सब जो है बहुत सारे सबकी सबने बहुत अच्छी अच्छी रैंक बनाई हुई. इन लोगों को तो आप जान ही हो, फर्स्ट रैंक को पहचान ही हो. ये 32 था ना, ये इसका शायद 9 था. अब सारे सारे बंदे जो यहाँ पर तो हो क्या बोले आप, और बहुत खर्चे करवा. देखो तो मूड कितना अच्छा है इनका. मतलब देखो कि मतलब खर्चे करवाने में सब बराबर ही है. वो टॉपर चाहे कोई भी बड़े खर्चे करवाते भाई मेरे तो इस पार्टी में. या सो आई मीन बट थैंक्स टू ऑल दिस पीपल, दे हैव हेल्प्ड मी अ लॉट थ्रू आउट माय लाइफ एंड आई रियली थैंक देम. सो मैं जितना मर्जी मोटिवेशन दे दूं, हर किसी इंसान को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है. एंड ऑल ऑफ दीस इंक्लूडिंग हिम हैव लाइक मोटिवेटेड मी अ लॉट एंड टॉट मी अ लॉट. सो हैट्स ऑफ. Then we move to, हाँ, so this is one group. ये थोड़ी अच्छी फोटो है. Yeah, अच्छी फोटो है. And सर अब पता नहीं कोई तो भाषण दे रहे थे. मैं भाषण दे रहा था. सर फिर से कोई भाषण दे रहे थे, उनकी आदत है. बड़ा And yeah, तो ये हमने फिर से लूट लिया था. मुझे लगता है कि ये बीच के पास का है. मतलब ये कोलाबा की पिक है. कैफे मोंटे कार्लो में 11 के टाइम हुए थे. And ये तो उसे क्या बोलते हैं, मरीन ड्राइव. यस. अरे यार यहाँ पर तो वो सभी फोटोज थी. तुम लगा आ देखा सर को रोस्ट करने का टाइम आ गया. सो यू गलत हो सर और आपका और खाने का रिलेशन. आई मीन मतलब क्या बहुत ही कमिटेड रिलेशन. बहुत ही समझदारी से खाना. लेकिन यार यहाँ पर तो बहुत चीटिंग की थी यार. क्या ही बताऊं यार, हटाओ इसे. आपकी नींद का ये कहां से आया. सोया में फोटो कैसे. ये गेस्ट हाउस वाला है क्या. ये ना यार ये मतलब के ना सब बहुत ये तुम लोग आपस में तुम लोग मतलब जब बर्थडे होता है ना तभी पे ऐसे एक दूसरे को फंसाते हो.
है ना? हाँ, तो अभी देखो गेस्ट हाउस के लिए स्टोरी बड़ी थी मजेदार यार, है ना? मेरा क्विज था अगले दिन, सर आते अचानक से सरप्राइज देते बिना बताए, आज आते हैं जब हमारे इतने सारे क्विजेस चल रहे हो, हम इतनी मेहनत करके उनसे मिलने गए हैं, मतलब वो भी आई मेहनत करके, बट हम भी सोचो आईआईटी की कीमत ज्यादा होती है तो और ये सो गए मस्त आराम से हमारे आने पे, मतलब ये क्या था, बट ये सो गए, फिर इनको उठाया हमने एंड फोटो नहीं है, एक और हाँ उधर हो, तो मतलब आई थिंक एक फोटो मिसिंग है, आगे हो शायद ढेर सारी थी फोटो तो ये हाँ मतलब मेरे पास क्विज था बट स्टिल ठीक है, दिस वाज फन, सो व्हाट आई एम सेइंग इज क्विज इज नॉट व्हाट मैटर्स इतना आगे मत जाओ प्लीज आगे तो मैं जा रही हूँ उधर हो ये देखो मतलब ये क्या बात है अब मतलब मैं भी मतलब कि ठीक है तो मतलब क्या एक्सपेक्ट करते मतलब कि क्या एक्सपेक्ट करते थोड़ा मैं डांस को नहीं दिखा सकता क्या सिर्फ रोहित सर तुमके मार सकते क्या बताओ जरा यार हाँ तो मतलब अगले सेशन में रोहित सर के साथ इनका भी डांस आगे डांस करवा लेना तो बंद करते हैं ये सर का भंडार बुक्स का कोचिंग का ऐसी कितनी फोटोज है गाइस बाय सेशन हो गया बाय चलो 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 बाय तुम्हें बोलना है कुछ बंद कर रहे हैं ना सेशन तुम्हारी ये फोटो कहाँ से आ गई भाई मैं ना मतलब दोबारा आईटी बॉम्बे ना मतलब भूल जाओ अब तो फिर नहीं मार रहा मैं टूर तो ये लोग कहीं से भी फोटो निकाल देते छुपे हुए कैमरे रहते हैं इनके पास नहीं जाना इनके पास पार्टी में कभी देखो सर स्टूडेंट बने थे एक बार मैंने इनकी क्लास ली थी इस दिन ये स्टूडेंट बने थे मैंने इनकी क्लास ली थी अच्छा मैं बैग लेकर आया था क्या अच्छा हाँ कुछ हम मिमिक्री कर रहे थे ना कुछ हाँ मतलब सर मेरी एक्टिंग कर रहे थे मैं सर की एक्टिंग कर रही थी दीदी आपकी कौन सी ब्रांच है यार यार मेरी ब्रांच डिस्कवर हो चुका पहले वो हाँ मतलब ओह एज आई सेड हमेशा नए पढ़ते रहते हैं मुझे नींद से बहुत प्यार है एंड ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की ये बहुत बहुत थक करके आती थी स्कूल दिन भर स्कूल जाती थी ना बहुत तो मैं रेगुलर स्कूल स्टूडेंट थी तो मैं थक जाती इसकी मतलब बोर्ड्स में टॉप करने की स्टोरी भी हमने डिस्कस की है और मैंने बोला भी कि रिक्वेस्ट करना है इस अलग सेशन के लिए तो ये यार बहुत थक करके आती थी स्कूल से और फिर ना ये कोचिंग मतलब ये क्लासरूम का बेंच है और अक्सर इतनी थकी भी रहती थी उसके बाद फिर कंटिन्यू करती थी फिर पढ़ाई को ये नैप लेकर के फोटो ली किसने मतलब बट ठीक है अगेन नैप इज इम्पोर्टेंट तो सोना हो तो सो जाया करो बट जो भी घंटे पढ़ो अच्छे से पढ़ो नींद में मत ये बेसिकली ठीक है ये बनाया कब तुमने अरे मेरे को ये बताओ सर के बाल कहाँ गए सर के बाल कहाँ गए फोटो इस एंगल से खींचा है तो कहाँ से आएंगे नहीं सर के बाल नहीं है किसी को सर के बाल दिख रहे हैं इस फोटो में मुझे तो नहीं दिख रहे अरे यार ओफ हो गई ना तुम्हारी पार्टी आज की राज खोल दिए सारे के सारे बस इंस्टीट्यूट को छोड़ देंगे ये हाथ में कौन सी बुक है मुझे बता ये मैं सोनल की बुक है ना ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है चलो चलो खत्म करते हैं और मुझे लगता है और भी फोटोज होंगी तुम्हारे वो सब फोटोज कहाँ गए ये सही है ये तो लगता है एक दिन मैंने बनाया था साइकिलिंग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है ये कॉलेज में जो साइकिलिंग करते ये वाले फोटो थी सही बनाया था मैंने है ना ये तो मेरी बनाई गई ठीक है अब आई होप आगे कुछ नहीं है और दिखाओ तो हाँ मुझे खाने से बहुत प्यार है हमें ये आई थिंक मकर संक्रांति में मेरे मैं इसका खाना काफी अच्छा था एंड आई एम मिसिंग दिस अ लॉट अगेन मुझे फिर से नॉस्टैल्जिक कर दिया ये तो सही है हमारा क्विज सीजन डज नॉट एंड मतलब H2 कैंटीन पे जाके खाना नहीं खाया एंड रात को लेट नाइट वॉक नहीं किया तो क्विज तो नहीं दे सकती मैं इसलिए ऑनलाइन सेमेस्टर में क्विजेस देना इज डिजास्टर ये सब नहीं है हमारे पास हां मतलब सो दिस इज वन ऑफ द गुड मेमोरीज And I think one of the last events I attended at IIT Bombay before COVID happened. yeah, so काफी fun events होते रहते हैं and I do part because ठीक है सब कुछ quizzes नहीं होता तो ये देखो ना तुमने फंसा दिया मुझे कि अरे भाई वो फोटो में बाल थे भाई वो इस एंगल से खींचा था कि नहीं दिख रहे थे क्या ही पीछे पड़ गया यार अरे भाई माफ कर दे भाई अच्छा ये कह रहे हो गाइस सेशन
के बारे में जल्दी से फटाफट मुझे चाहिए कि यार अपनी तरफ से। हाँ जी हाँ जी, क्या सर आप सीनियर थे क्या दीदी के? नहीं जी नहीं जी, ये तो छोटी बहन है मेरी, सीनियर नहीं थे, मतलब क्या आप तो बहुत ज्यादा सीनियर है ना। नहीं, आंसर तो है कि सीनियर नहीं थे, कॉलेज सीनियर तो नहीं थे, अपन जो सीनियर तो वैसे ही हैं, बुड्ढे तो नहीं हैं और बहुत बड़े वाले भाई हैं। और लॉजिकल प्रूफ यानी क्या पूछ रहे, हाई कर रहे हैं आते रहेंगे लोग। गाइस हम ना ये इस सेशन को अब जल्दी रैप अप करेंगे, है ना। आप मैं चाहता हूँ कि जल्दी से फटाफट जो एक बार और जो प्रगति से रिक्वेस्ट करो किसी दिन यार, इससे जो बोर्ड एग्जाम्स पर एक सेशन लगवा लो, फटाफट फटाफट रिक्वेस्ट डाल दो। और हार्ट्स बहुत देर से आपने नहीं भेजे हैं, बहुत देर से नहीं भेजे हैं, आज तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज तो लोग Among Us कब खेलेंगे भाई, बताया बार बार कि Among Us खेलेंगे, आगे प्लान है। आपको पहले आज इन्फॉर्म करना था, लेकिन इन्फॉर्म करने के साथ साथ हमने ये प्लान किया था कि भाई आज जो है आपको कुछ इंस्पिरेशनल बातें, कुछ जो है जो भी आईटी बॉम्बे से रिलेटेड जो बातें हैं, प्रकृति अपनी अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड बातें जो है वो जरूर आज आपसे कर ले, ताकि आप जो इस वीक में इंस्पायर्ड रहो, एनर्जी में बिल्कुल ऊपर रहो और बिल्कुल चिल्ड रहो, और इस वीक में अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करके एनटीएससी एग्जाम की तरफ आगे बढ़ो, है ना। ये था हमारा पर्पस आज के डिस्कशन का, तो जल्दी से फटाफट हाँ लाइक्स एकदम, और हार्ट्स जो एकदम रुकने नहीं चाहिए, नॉन स्टॉप एकदम कर दो, बिल्कुल सेशन एंड होने वाला है, शायद अभी कुछ और भी दिखा दो, शायद और कुछ प्यारी फोटो तो फटाफट दिखा दो, सेशन एंड करते हैं। और गाइस मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में एकदम भरे हुए दिखने चाहिए हार्ट्स, बिल्कुल प्रकृति के लिए बहुत मेहनत की इसने। ओहो ये फोटो, ये हाँ तो ये अच्छा, ये काफी मतलब काफी प्यारी फीमेल डॉग है हमारे लाइब्रेरी, ये हमारे लाइब्रेरी का रिसेप्शन एरिया है, एंड कुछ रात के 11 बज रहे थे, रात को 11 बजे लाइब्रेरी का क्लोजिंग टाइम होता है, एंड बेचारा गार्ड मतलब जो भी रिसेप्शनिस्ट था बेचारे को मतलब बाहर भगा दिया था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सुला दिया उसको, तो लाइक काफी प्यारी डॉग है हमारे कैंपस की। मैप की बातें करनी थी यार, आ चुकी पहले ये मैकेनिकल की, जो लोग बार बार मैकेनिकल ब्रांच जो बार बार तुम्हारी ब्रांच पूछ रहे थे भाई, कितनी बार डिस्कशन हो चुकी है तुम्हारी ब्रांच का मैकेनिकल। और अच्छा बाकी पीछे वाले लोग क्यों थके हुए लग रहे, तुम बहुत फ्रेश लग रहे हो। एक्चुअली मेरा भी फील होता है इस टाइम पे, तबीयत ठीक है। हां मतलब वो आईटी में चलता रहता है तो फूड पॉइजनिंग। हां तो ये कुछ भी ओरिएंटेशन का टाइम है। ओरिएंटेशन मतलब कि क्या, जब सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा था? हां जब सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा, बहुत सारी ओरिएंटेशन होते, तुम दुनिया भर की ओरिएंटेशन में जाते हो, बाद में एक्चुअली कोई टाइम नहीं बचता है, बट हां टीम कोड दो Among Us का भाई, मिलेगा, अभी हम नहीं खेल रहे, बताओ कि आगे के सेशन में हम खेलेंगे। हाँ, बट आज तो अनाउंस करना था कि आगे पूछा था कॉलेज में फॉरेनर्स होते हैं या नहीं, सो दिस देयर इज दिस वन गाय फ्रॉम कनाडा। फॉरेनर कौन है, फॉरेनर कौन है ये बताओ पहले। एक बार फॉरेनर के साथ भी फोटोज होगी ना। अच्छा ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम था। हां सो ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करके होता है जहां पे फॉरेनर्स आते हैं हमारे कैंपस में, एंड सो या दिस वाज रियली फन इंटरेक्टिंग विद देम, एंड उसको पतंग उड़ाना सिखाया था मकर संक्रांति पे बचपन। तो या ये गाला डिनर पे भी वही पूरा फॉरेन एक्सचेंज सेमेस्टर एक्सचेंज वाले लोग। गाइस जरा देख रहे हो फॉरेन मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज नहीं बोलते, सेमेस्टर एक्सचेंज, सेमेस्टर एक्सचेंज है। अच्छा सेमेस्टर एक्सचेंज वाले यार देखो, तो मतलब कि जिन लोगों को ना बाहर के स्टूडेंट्स के साथ पढ़ना है वो उनकी तो अच्छी लक हो जाती है। ये कितना रैंक चाहिए आईटी बॉम्बे अभी ये सब ना सोचो, आप तो क्लास टेंथ वाले, आप तो क्लास टेंथ वाली क्राउड है यहाँ पर, तो आप अभी ना अभी तो बाद में सोचो आप रैंक के बारे में, अभी तो आप ना सिर्फ ये ध्यान दो कि आप रेगुलर अपनी स्टडीज कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। इतने से आप अभी बहुत, अभी जितने एग्जाम्स हैं सभी में आप बहुत अच्छा बहुत अच्छी रैंक बना लोगे। जो दूसरे देश से आया है सस्ते के चक्कर में उसे फॉरेन कहते हैं यार, क्या क्या डेफिनेशन चल रहे हैं यार, मतलब नहीं यार, वेरी गुड पीपल, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हां तो देखो क्लास में हम सो जाते हैं और ये फ्रंट बेंच पे, ये मतलब कि ना कई सारे पता है आपको फ्रंट बेंच नहीं है, हां बट फ्रंट बेंच, फ्रंट बेंच पे सो जाते हैं, मतलब कि ये मतलब कि ना इन लोगों पे वर्कलोड इतना रहता है या फिर पता नहीं क्या होता है, मतलब कई बार तो फोटोज वायरल हो जाती है यार। मतलब कि मुझे तो याद है कि ना वो फर्स्ट रैंकर की भी हुई थी ना, हाँ वो वायरल हो गई थी, अरे हाँ मतलब हो गई थी वो सर्विस फर्स्ट रैंक वाले मैप लेते हैं। हाँ मतलब ये हमारा फिजिक्स लैब का एक EYM रेशो का एक्सपेरिमेंट है व्हिच वाज रियली कूल, एंड हाँ तो ये फिजिक्स लैब में से छुपके से फोटो खींची थी, अलाउड नहीं था। और ये हमारा बायो का लेक्चर है जहाँ पे ब्लड टेस्ट के बारे में बता रहे थे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस केमिकल में। अच्छा ये बताओ, इतनी कहानियां चल रही है
लेक्चर तो खत्म होने वाला है, आप इंस्टाग्राम पे बच्चों को बोल दो अगर कनेक्ट होना नहीं लास्ट में बाद में। अच्छा चलो कोई नहीं गाइस, पहले ये बताओ कि यार सेशन से कुछ सीखा या नहीं सीखा, मुझे जानना है फटाफट। हार्ट्स तो रुकने ही नहीं चाहिए और सेशन हम बंद करने वाले हैं। आज का पर्पस था डिस्ट्रेसिंग सेशन था, स्ट्रेस बस्टिंग सेशन था यार, तो हम क्या ये कर पाने में आपके लिए कामयाब रहे। प्रकृति ने इतनी मेहनत की यार, बताया आपको बार बार कि यार मैं तो मुझे तो थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था जब मुझे पता चला कि ये सुबह अपनी क्विजेस वगैरह के लिए जागती रही है। तो ये टूटे हुए दिल क्यों आ रहे हैं? हाँ दिल पूरे भरे हुए आने चाहिए, बिल्कुल भरे हुए दिल आने चाहिए। और प्लीज थैंक यू करो प्रकृति को यार, प्लीज थैंक्स करो, प्लीज थैंक्स करो, है ना? आपका एनटीएससी बिल्कुल अच्छा जाएगा। Someone wants English, we don't know Hindi. अरे we are completely made of English, we can smile in English. अरे हाँ, so this was my bio lecture and bio lecture में like that professor, hats off to that professor. उन्होंने class में blood test का topic चल रहा था, we actually conducted blood test during our lectures. Random हमारी class में कुछ there were people जिनको अपना blood group नहीं पता था, हमने उनका वहीं पे blood sample लिया और हमने बैठ के test किया and we predicted their blood group. So yeah. उसी में से एक फोटो है। एंड दिस इज अवर लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स जो अभी अभी की फोटो आई है, सन्नाटा पड़ा है। कोई भूतिया में लग रहा है, भूतो वाला लग रहा है ये। हाँ तो ये भूतो वाला इसलिए लग रहा है क्योंकि कोविड और हम यहाँ जा नहीं पा रहे, तो देखो कैसे भूत बंगला बन गया है। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, वो सेकंड फ्लोर है एंड यहाँ पे शीरो कैफे भी, सच में भूत आ गया, शीरो कैफे भी था। बट सच्ची भूत आ, सच्ची में भूत आ गए। तो ओके सो गगन सर ने मुझे बोला था, सो गगन सर वाज टीचिंग मी फिजिक्स फॉर सम टाइम एंड ही टोल्ड मी कि इफ यू वांट टू रियली अचीव समथिंग इन योर लाइफ यू हैव टू एसोसिएट वन थिंग, कि मतलब ये मुझे इसलिए करना है क्योंकि मुझे ये मिलेगा, मतलब one thing which is really close to your heart. And my dream was that I have to celebrate Holi at IITB. And that was my only motivation. I mean, that was my one of the biggest motivation to crack J. मतलब मुझे तो नहीं बताया क्या motivation था कि Holi IIT Bombay, वाह 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 वाह। नहीं, so this is just thanks to again my mentors at IIT who were mentoring me in J. और Holi का दिन था, पीछे बहुत मस्त गाने बज रहे थे and मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने मजे आ रहे होंगे, so that thing somehow stuck in my head and मुझे था कि अब तो कुछ भी करके अब तो celebrate Holi at IIT and here I am celebrating Holi at IITB. मुझे लगता है ये end था भूतों वाला, तो end ही होगा ना शायद। And yeah, this is one thing famous from our campus, bullfights. अभी वहाँ पे गौशाला बना दी है। पूछ रहा इनको है कुछ याद है ऐसा कुछ वाला? क्लासरूम में भी आ गए थे तुम्हारे तो दोस्त? हमारा कॉलेज न्यूज में आता रहता है कि गाय हमारे लेक्चर हॉल में घुस गई और लाइक हॉस्टल में घुस के लोगों के नोट्स खा गई एग्जाम से एक रात पहले, सो काफी सैड है मतलब। मेरे दोस्तों ने मुझे गाली निकाली थी कि मेरे को डर नहीं लग रहा, मैं बैठ के फोटोग्राफी कर रही हूँ। अरे यार ऐसे से क्या, लोग तो भाग गए थे। हाँ लोग तो अरे बहुत डरावनी होती है, लोगों को मार दिया तो इंसान गया। थैंक यू डांस भाई, मेरे तरफ से थैंक यू डांस गाइस। अब ये बताओ मुझको, मुझे चाहिए कि सेशन के लिए जल्दी से फिर से एक बार फटाफट थैंक यू कर दो प्रकृति को, बहुत मेहनत की इसने अपने तरफ से भाई, अपनी फोटोज भी यहाँ पर लगाने दी और उस पर बहुत खुश होकर के बहुत सारी स्टोरीज भी आपको बताई। होपफुली ये सब कुछ जो आज का सेशन था उसने आपको इंस्पायर किया होगा, यही पर्पज था हमारा, डिस्ट्रेस किया होगा, स्ट्रेस को बस्ट किया होगा, है ना? होपफुली कि हम अपने मकसद में कामयाब रहे हैं। लव यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रकृति, अपनी तरफ से जाते जाते फिर से एक बार पॉइंट्स को रिवाइंड कर दो कि क्यों स्टूडेंट्स को जो है वो इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वो मेंटल स्ट्रेस से दूर रहें। और रैंक वाली बात जो तुमने बोली थी, वैसे वीडियो को रिवाइंड करना बहुत अच्छी अच्छी बात है, प्रकृति ने बीच में बताई है, पूरा सेक्शन था जिसमें कंटिन्यूअसली बहुत सीरियस होकर के हमने इसे सुना था, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी। और गाइज अभी भी जाते जाते भी है, अभी जो भी कुछ सेकंड्स बचे हुए जाने से पहले, ऑफ होने से पहले, ऑफलाइन होने से पहले, प्लीज आप हर्ट्स एकदम अदरों को थैंक यू करो ताकि दीदी एक बार दोबारा आए और आकर के आपको ना बोर्ड एग्जाम के बारे में जरूर बताए। मांगा सब खेलने वाले, यही तो अनाउंसमेंट दिया, आगे खेलने वाले टीचर्स आएंगे, आईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स भी रहेंगे, दूसरे आईटीस के भी रहेंगे और दूसरे कॉलेजेस के भी रहेंगे, सारे लोग जो बीच बीच में खेलेंगे थोड़ा, हम जो है आपको जानेंगे। मुझे अगर अगले सेशन में बुलाना ही है, सो वन थिंग आई वांट यू गाइस टू डू इज अभी एटलीस्ट मतलब
सुबह एक ग्लास पानी लो, उसमें एक चम्मच हनी डालो, गरम पानी लेना ठीक है, एंड नींबू भी डाल लेना है, मेरा हाँ मतलब ठीक है, क्रेडिट्स टू मोहित सर, मैं नहीं ले रही क्रेडिट, बट ये क्रेडिट्स टू भाई, सो इफ आई एवर कम, इफ यू गाइस वांट मी टू कम एंड आई गेट द टाइम टू कम, देन आई विल आस्क यू गाइस कि कितने लोगों ने फॉलो किया, एंड इफ यू गाइस डू दिस लाइक लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस, आई मीन फ्री फायर भी। अच्छा सुनो, फ्री फायर भी मतलब अपने तरफ से कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछना है, ऐसा कुछ फ्री फायर। ओके बिफोर वी लीव, दिस इज वन बोनस रोस्ट, आई थिंक बोनस रोस्ट नहीं, इसमें सर का एक सीक्रेट रिवेलेशन है जो उनके कोचिंग स्टूडेंट्स को नहीं पता है। सो देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग आवर, इनको एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद है राइट, तो इन्होंने हमारे कोचिंग टाइम पे वॉल्केनो एक्सपेरिमेंट किया था, इनसे पूछ लेना अगर इन्होंने अभी तक नहीं दिखाया है, तो वो वॉल्केनो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बीकर पे ना एक रेड कलर का कोई तो एलिमेंट रखा था, लिक्विड एलिमेंट, एंड लोग पूछते रह गए कि ये एलिमेंट कौन सा है, इसका नाम बता दो, एंड सर प्लीज प्लीज, ये तो गलत है यार, जाते अभी खत्म हो जाता सेशन, तुम इसके बाद नहीं देखो, थैंक यू नोट पे एक रोस्ट तो बनता है राइट, प्लीज शो मी सो मच ऑफ लव, प्लीज प्लीज बैन, प्लीज उस बीकर में वो रेड कलर का क्या था, अभी बताओ मतलब लाइव, यू हैव टू टेल स्टूडेंट्स की वो क्या था, बिकॉज बट हमने इतना दिमाग लगाया इन गेसिंग की वो एलिमेंट कौन सा हो सकता है, वो एलिमेंट मतलब था ही नहीं, वो रूअब्जा, वो केमिकल तो था ही नहीं, आशीष था, मतलब मेरे को एक दिन पता चल गया, बिकॉज़ आई सॉ हिम मेकिंग दैट, तो चलो ठीक है गाइस, चल रहे बाय, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, आई थिंक माय बैचमेट्स विल थैंक मी फॉर रिवीलिंग दिस सीक्रेट नाउ, आई एम गोना कमेंट, चलो थैंक यू सो मच प्रकृति, है ना, इट्स ऑफ यार, और टाइम निकाला तुमने बहुत मुश्किल से, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू सो मच, वीडियो जरूर शेयर करना लोगों से, है ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसने बताई है, और अगर इसके पास टाइम रहा तो फिर हम जो है वर्ड्स वाला सेशन स्पेशली करेंगे, ओके थैंक यू सो मच, और आगे मैं बता दूं एक बार फिर से आपको इन्फॉर्म करना था कि आगे हमारा प्लान है कि आपके साथ डिस्ट्रेस करने के लिए कभी कभी हम ऑनलाइन गेम्स खेलेंगे, तो उसमें जरूर आना और मेरी टीम का पार्ट बनना भाई, और इम्पोस्टर जो बनना चाहे मोस्ट वेलकम, ठीक है, इम्पोस्टर बनना पसंद है तुमको, वैसे मेरा एक लॉजिक है, ये आंसर जानना ही है, तो क्या आई थिंक तुम लोगों को इम्पोस्टर बनना है, बट इसको रियल लाइफ के साथ रिलेट करो, अभी तुम्हारा कितना कॉम्पिटिशन होता है दोस्तों को हेल्प नहीं करना, बट आई थिंक रूममेट इज बेटर, अपने साथ साथ दूसरों को लेकर चलो, यू गेट अ लॉट, आई मीन मैं टीचर क्यों, मतलब टीचिंग असिस्टेंट क्यों, नॉट जस्ट फॉर दिस स्टाइपेंड, आई लव टीचिंग, एंड मैंने जेई टाइम पे भी रात को दो दो बजे अपने दोस्तों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया, उनके बोर्ड्स निकलवाए हैं, सो एंड वैसे पढ़ाई नहीं होती बिना पढ़ाए, मैं इसको याद ही चीजें तब होती जब मैं किसी को कुछ पढ़ाती हूँ, सो दैट्स माई सीक्रेट, यू टीच समवन, जितना तुम उससे गेन होएगा उतना कभी नहीं होगा, सो एंड आई थिंक टीचिंग इज अ जॉब ऑफ अ क्रूममेट, मतलब अपने साथ लोगों को लेके चलो, एंड दैट सर्व्स अ ग्रेट डील, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, और गाइस वीडियो रिवाइंड करके इसने जो बातें बताई है प्रिपरेशन से रिलेटेड जरूर उनको सुनना फिर से, ठीक है, चलो लव यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड बाय।